हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर ऑनगोइंग केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स। टुडे बीइंग द लेसन नंबर 22, एंड टुडे यू नो वी हैव कम ऑलमोस्ट ऑल वी आर एट द कंक्लूडिंग स्टेजेस। अब हमारा कोर्स खत्म ही होने वाली है, अनदर अबाउट 5-6 क्लासेस सर, टू। आपने हमें ट्रांजिट एज सच नहीं कराई। ट्रांजिट तो कराएंगे, वो ट्रांजिट तो साथ साथ कराते जा रहे हाँ हैं। ट्रांजिट देखिए एज हाँ सच में, अच्छा ठीक है, चलिए मैं ट्रांजिट पर भी आप आता ट्रांजिट का यूज, आपने खुद बताया कि आप ट्रांजिट का यूज कम करते हैं। हूँ। नहीं, करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हाँ हूँ। हाँ जी मैं हाँ प्रेडिक्शन करके मैं चेक कर लेता हूँ, ट्रांजिट अगर मोर और लेस अग्री कर रहा है तो मैं प्रेडिक्शन को थ्रू समझता हूँ। देखिए ट्रांजिट, अरे भाई, डे टू डे इवेंट्स इज नथिंग बट ट्रांजिट ओनली, इट इज ओनली ट्रांजिट। हाँ और बीटीआर जब करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ट्रांजिट का। एनीवे, ट्रांजिट इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट, उसको कैसे यूज करना वो भी आज समझ लेंगे। आज कंसेप्चुअल, आज कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास है, तो एक एक मैं ऐसे ही चार्ट खोलता हूँ और उसमें मैं कुछ आप लोगों से नहीं, ये नहीं खोलूंगा, ये तो बाद में खोलूंगा। मैं अभी अभी मैं इंस्टेंट प्रश्न चार्ट खोलता हूँ। ये तो मेरा प्रश्न चार्ट क्रिएट ऐसे ही आज अभी अभी का लाइव चार्ट रांची का खोला है। तो आई जस्ट वॉन्ट यू नो, अभी मैंने सिग्निफिकेटेड टेबल्स जानबूझ करके नहीं खोले हैं। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू नो विदाउट सीइंग द सिग्निफिकेटेड टेबल्स। अब एक दो चीजें आप लोग मुझे बताइए। देखिए ऊपर वाला तो राशि चार्ट है, ठीक है, और नीचे वाला भाव चार्ट है, मतलब केपी में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक तो है। ये विजिबल नहीं हो रहा मुझे। विजिबल नहीं हो रहा है नहीं सर, हमें तो दिख रहा है अजय जी, और लोगों को? सर मुझे भी दिख रहा है सही। दिख हाँ जी रहा है सर, लेकिन है छोटा, लेकिन दिख रहा है सर। क्लियर दिख रहा है, एकदम सही है। हाँ क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। अब आ गया सर, ठीक हाँ है, अब आया। हाँ ठीक है। जी टाइम लैग होगा, मेरा बताया ना, इस लैपटॉप में थोड़ा सा जी इश्यू हाँ है। जी हाँ जी नेटवर्क तो हमारा ठीक है, बट आई थिंक इस लैपटॉप में थोड़ा इश्यू है, तो इसीलिए टाइम्स ओके। देखिए अभी मैं किससे पूछूं? जया जी आप हैं ना? जया जी कैन यू हियर मी? यस सर, यस। आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। अब हाँ आप जी मुझे बताइए, ये देखिए ये केपी भावा चार्ट है, जो भी चार्ट है चलिए ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है। हाँ जी हमने सिग्निफिकेटेड टेबल्स नहीं खोले हैं जानबूझ करके, हाँ और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में प्लेनेटरी पोजिशंस हैं। वी जी आर कंसर्न्ड ओनली विद दिस अप टू दिस सब लॉर्ड कॉलम, ओके। और ये कस्पल टेबल्स हैं, कस्ट्स के हैं। हाँ जी अब मुझे आप ये बताएंगी कि केतु किस हाउस में बैठा हुआ है? 7th में है सर। सेवेंथ में है। तो आप मुझे बताइए कि सेवेंथ हाउस का सातवें भाव का रिजल्ट सबसे स्ट्रॉन्गली हमें कौन देगा? तो मरकरी, हाँ मरकरी ठीक है, क्यों? क्योंकि सर ये उसी की राशि में है ना, मरकरी में, राशि चार्ट में भी। राशि चार्ट में राशि चार्ट में भी ये उसमें वर्गों में है ना। इस वजह से इस नहीं वर्गो और अच्छा मरकरी, सर, वर्गो वर्गर और मरकरी का क्या कनेक्शन है? राशि में केतु है ना सर, इसलिए बोल रही हूँ ना मैं। हाँ नहीं आप बता रहे हो सही, बट यू आर जी नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू मी कि कौन से मैं कॉन्सेप्ट क्लियरेंस क्यों केतु हाँ जी सेवेंथ हाउस में केतु बैठा हुआ है, ठीक है। यही मुझे हमें नजर आ रहा है इस चार्ट में, सेवेंथ हाउस में केतु बैठा हुआ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि सेवेंथ हाउस का इस हॉरोस्कोप में
सबसे स्ट्रॉन्गली हमें रिजल्ट क्यों देगा, कौन देगा? केतु सर स्टार लॉर्ड है, इसका चंद्रमा इसका स्टार लॉर्ड है ना केतु का? चंद्रमा तो स्टार लॉर्ड नहीं नजर आ रहा है मुझे। प्लेनेटरी पोजिशन आप अभी चंद्रमा स्टार लॉर्ड केतु का आप उल्टा चले गए। जुपिटर आप मुझे है। बताइए सेवेंथ हाउस का रिजल्ट कौन देगा, और कोई नहीं बोलिएगा अभी प्लीज। देखिए यही क्लैरिटी के लिए आज मैंने ये सेशन रखा है। सेवेंथ हाउस का रिजल्ट सबसे स्ट्रांगली कौन देगा? तो हम कस्क में जाएंगे क्या? कस्क हाँ में जाएंगे सेवेंथ में, ऐसा तो नहीं है? यही तो है, ये सेवेंथ कस्प ही है। हाँ जी हाँ ये हाँ सेवेंथ समझिए इसको, सेवेंथ हाउस या कस्प जो भी, तो वन एंड सेम थिंग, ठीक है। ठीक वो है। बोलने का तरीका है, कस्प बोल लीजिए, हाउस बोल लीजिए, भाव बोल लीजिए। इसका रिजल्ट, सेवेंथ हाउस का रिजल्ट सबसे स्ट्रांगली हमें कौन देगा? आराम से, आराम से, डोंट यू नो, मतलब एकदम आराम से टाइम लेके सोच के बताइए हमें। गोल्डन रूल ऑफ केपी क्या बोलता है? किसी भी भाव का रिजल्ट तो सबसे स्ट्रांगली हमें कौन देता है? उसका नक्षत्र लॉर्ड उसका नक्षत्र लॉर्ड तो देता है, तो आपका ये कहने का उसका नक्षत्र लॉर्ड मतलब जिसके नक्षत्र में वो बैठा है कौन बैठा है? वही प्लेनेट सर। आप किस प्लैनेट की बात कर रही हैं? आप केतु का पूछ रहे हैं? हाँ, मैं सेवेंथ हाउस का पूछ रहा हूं। सेवेंथ हाउस का रिजल्ट हमें कौन सा प्लैनेट सबसे मजबूती से देगा? सेवेंथ हाउस का रिजल्ट तो मिलेगा ना इस हॉरोस्कोप में, अच्छा हर एक हाउस का रिजल्ट मिलेगा। तो सेवेंथ हाउस का रिजल्ट हमें, आप समझ रही हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन यू हैव टू बी एबल टू एक्सप्लेन। आप इस टेबल में देखिए आराम से, लेफ्ट हैंड साइड टेबल में। अब इस जी टेबल को देख करके देखिए, ये ऊपर ये प्लैनेट्स के नाम है, ये साइन के नाम है, ये राशि लॉर्ड के नाम है, ये स्टार लॉर्ड के नाम है, ये सब लॉर्ड के नाम है। अब आप इसको देख करके मुझे हमें बताइए कि सबसे स्ट्रांगली सेवेंथ हाउस का रिजल्ट हमें कौन देने वाला है? सर आप ही बता दो, मैं तो कंफ्यूज हो गई। अब वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं? वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो आप लोगों ने इसके पहले पढ़ी होगी ना। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम क्या बोलते हैं कि सातवें भाव में या तो जो ग्रह बैठा है वो देगा, या सातवें भाव का लॉर्ड देगा, ठीक है। हाँ जी पर एस्पेक्ट वगैरह अभी छोड़ दीजिए, सीधा केतु सीधा। तो इसका मतलब क्या है कि सेवेंथ हाउस में कौन बैठा हुआ है? केतु। मरकरी और इसका लॉर्ड कौन है? मरकरी। तो हम क्या बोलते हैं वैदिक में कि सबसे स्ट्रांगली केतु अपने महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में सातवें भाव का रिजल्ट देगा, और बुध मरकरी हु इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस। बट केपी ने क्या रिसर्च किया, यही तो इतने दिन की, देखिए इतने दिनों से बात हो रही है कि ये जो स्टार लॉर्ड होता है, जो नक्षत्र, ये केतु है, ठीक है। अब अच्छा केतु के नक्षत्र में हर एक प्लैनेट का नक्षत्र होता है ना, हर एक प्लैनेट का 9 प्लैनेट का नक्षत्र होते हैं। अच्छा तो जो ऑक्यूपेंट है, यानी कि जो ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके नक्षत्र में अगर कोई ग्रह बैठा है, इसके नक्षत्र में कौन ग्रह बैठा है देखिए? मून ऐसा नहीं, मून के नक्षत्र में मून नहीं है ये, यानी कि स्टार लॉर्ड, ये नक्षत्र लॉर्ड किसका है, ये किस कॉलम में आप देखेंगे? नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड एक ही चीज है, नक्षत्र को ही स्टार बोला जाता है। ये किसका नक्षत्र स्टार लॉर्ड बन रहा है इस कॉलम में, देखिए आप, केतु किसका स्टार लॉर्ड बन रहा है? मून का मून केतु के नक्षत्र में, देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो प्लैनेट्स यहाँ लिखे हैं ना, 1 to 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। वो किन राशि में बैठे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। सन जो है
चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, कैंसर में बैठा है, मून ये खाली प्लेसमेंट है लियो की राशि में, और हरेक ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है वो यहां दिया हुआ है। तो केतु के नक्षत्र में कौन बैठा हुआ है, ये एरो देखिए, मेरा कर्सर देखिए, केतु के नक्षत्र में कौन मरकरी बैठा हुआ है, मरकरी मरकरी बैठा हुआ है। तो केतु के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा है वो अपनी दशा अंतर दशा में केतु के थ्रू, अपने नक्षत्र लॉर्ड के थ्रू उस हाउस का रिजल्ट देगा जिस हाउस में केतु बैठा हुआ है। यानी कि मरकरी अपना दशा अंतर दशा में किस भाव का रिजल्ट का देगा, सेवेंथ का। ये क्लियर हो गया कि नहीं? जी सर क्लियर। अब चलिए हम आते हैं फिर, अब आप दूसरा देखिए किस हाउस में बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस में फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस का रिजल्ट सबसे स्ट्रांगली कौन देगा, कौन सन का नक्षत्र लॉर्ड सर है? अच्छा ये है नहीं ना, वो टेन अनटेनेंटेड है, छोड़िए। मून अनटेलेंटेड। देखिए, मून टेनेंटेड है, मून। हाँ, चंद्रमा, हाँ जी चंद्रमा भी चंद्रमा भी फिफ्थ फिफ्थ हाउस में में बैठा है है। और ये मार्स का चंद्रमा मार्स का फिफ्थ हाउस का रिजल्ट कौन देगा हम मार्स सबसे स्ट्रांगली, मंगल मार्स। तो कोई भी प्लैनेट, इसको दो तरीके से समझिए, कोई भी प्लैनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड का, नक्षत्र लॉर्ड कौन है ये देखिए यहाँ, मून मार्स का सर नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर का कौन है भी तो है मून। ना मून। एक मिनट, अभी जुपिटर का छोड़िए प्लीज, मार्स किसका नक्षत्र लॉर्ड है, मून मून का सर फिफ्थ का। मून कहाँ बैठा है, फिफ्थ हाउस में हाउस में बैठा है। तो मून कब देगा ये मार्स मार्स, सॉरी मार्स कब देगा, फिफ्थ हाउस का रिजल्ट कब देगा मार्स, की दशा अंतर दशा में मून की दशा में नहीं मार्स अपनी अपनी दशा दशा में दशा मार्स में। की दशा अंतर दशा में। यही केपी ने डिस्कवर किया, केपी ने देखा कि केतु, अब मैं वापस केतु पर आ रहा हूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केपी ने देखा कि केतु जो सेवेंथ हाउस का रिजल्ट दे रहा है, एंड बाय बीइंग ऑक्यूपेंट ऑफ द सेवेंथ हाउस, ठीक है, और मरकरी बाय बीइंग लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस, ये दोनों जो सेवेंथ हाउस का रिजल्ट्स दे रहे हैं, देंगे ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के टेनेट्स को भी हम मानते हैं, केपी ने उनको रिजेक्ट नहीं किया है, बट ही फाउंड दैट इसके अलावा भी कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर जब रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि इसका रिजल्ट सबसे स्ट्रॉन्गली केतु जो रिजल्ट दे रहा है सेवेंथ हाउस का, और मरकरी जो दे रहा है रिजल्ट सेवेंथ हाउस का, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गली कौन दे रहा है, जो केतु जो ऑक्यूपेंट है इसके नक्षत्र में, जो लॉर्ड बैठा, जो प्लैनेट बैठा है, यानी कि केतु के नक्षत्र में। फिर वापस यहां आ रहे हैं, केतु के नक्षत्र में कौन बैठा है, देखिए लुक एट दिस कर्सर, मरकरी। मरकरी तो मरकरी अपने दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में सबसे स्ट्रॉन्गली सेवेंथ हाउस का रिजल्ट देगा, ठीक है। ठीक उसके बाद इन ऑर्डर ऑफ हायरार्की जो है ऑक्यूपेंट वो देगा, ऑक्यूपेंट कौन है, केतु केतु है, ठीक है। अभी यही दो कॉलम को समझिए, थर्ड फोर्थ को सर बाकी, हाउस सिग्निफिकेटर्स वो हमारे पास बना बनाया आ जाता है ना इसलिए तो वही इसीलिए तो मैं उसको नहीं कर रहा हूं, तो जी आप फिर कॉन्सेप्ट को ग्रास्प नहीं करेंगे ना, ये तो हाउस सिग्निफिकेटर मैं ये कर देता हूँ, खोल दूंगा तो फिर आप इसको देखने लगोगे। तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि बिना हाउस, सपोज हाउस सिग्निफिकेटर वाला फीचर खराब हो गया है, तो क्या आप प्रिडिक्शन करके नहीं दोगे क्लाइंट को, आप क्या बोलेंगे, मेरा फीचर खराब हो गया है। मैं तो बोल सकता हूँ मेरा लाउड स्पीकर खराब हो गया, तो उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं फोन के ऊपर बात करके कैसे भी करके कर दूंगा। अच्छा चलिए अब हम यहां आते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना केतु, हाँ जी आप बोलिए हमें मून, मून को हमने देख लिया, मून का रिजल्ट, मून बैठा है फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस का सबसे स्ट्रांगली रिजल्ट कौन देगा, अब आप खुद देख के बताइए। हाँ मार्स 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 देगा, और भी कोई देगा क्या, हाँ जी और जुपिटर है सर और भी जुपिटर कोई देगा भी है क्या, बस केतु भी है ये तीनों ग्रह अपने दशा अंतर दशा में तीनों फिफ्थ हाउस का रिजल्ट बहुत स्ट्रांगली देंगे। फिफ्थ हाउस का क्या क्या रिजल्ट होता है,
सब प्रोजेनी भी इसी से देखी जाएगी, चाइल्ड बर्थ, आर्ट है, आर्ट और स्किल्स हो गई, आपको स्पोर्ट्स है, आप आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, स्पोर्ट्स स्टॉक है। मार्केट में आपको ट्रेड करना है, ठीक है, ठीक है, आपको कोई इंटेलेक्चुअल परस्यूट जो है उसको टेकअप करना है, फॉलो करना है, एस्ट्रोलॉजी करना है, ये सब फिफ्थ हाउस। तो ये तीनों प्लैनेट जो मून के नक्षत्र में बैठे हैं, मून के नक्षत्र में तीन, मार्स मार्स केतु एंड जुपिटर, ऑल दीज थ्री प्लैनेट्स विल गिव द रिजल्ट ऑफ द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, जब जब उनकी दशा अंतर दशा आएगी तो वो फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देंगे। तो यहीं पर रोक के मैं एक चीज बोल दे रहा हूं, इसलिए कि फिर आप लोग भी बोल, तो तीनों क्या एक सा रिजल्ट देंगे फिफ्थ हाउस का? फिफ्थ का रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है, फिफ्थ का रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि तीनों एक सा ही रिजल्ट देंगे। नहीं सर, करेक्ट। कोई ज्यादा स्ट्रांगली देगा, कोई उससे कम स्ट्रांगली देगा, कोई बिल्कुल ना के बराबर देगा, या फिफ्थ हाउस का खराब रिजल्ट देगा। फिफ्थ करेक्ट, हाउस से हम प्रोजेनी देखते हैं, हो सकता है वो प्रोजेनी डिनाई कर हो दे जाए या नहीं डिनाई हो जाए, वो उसका फिर वो सब लॉर्ड पर आता है, वो सब। बाद में, अभी सब लॉर्ड में देखते हैं। अब चलिए, मून तो मून मून को देख लिया हमने, मून के थ्रू थ्रू इट्स यू नो थ्रू थ्रू इट्स थ्रू द प्लैनेट सिटिंग इन नक्षत्रज मून विल गिव द रिजल्ट ऑफ द फिफ्थ हाउस। बोलने का तरीका है, रिजल्ट देता है नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट देता है, लेकिन ये अपने टेनेंट्स के थ्रू देता है। टेनेंट्स कौन है? जो उनके नक्षत्र में बैठे हैं, उनकी दशा अंतर दशा प्रति अंतर दशा जो भी आएगी तो हमें फिफ्थ हाउस का रिजल्ट मिलेगा। अब आ जाइए सन, सन देखिए फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देगा ना, अच्छा उसके बाद मून इटसेल्फ विल आल्सो गिव द रिजल्ट ऑफ फिफ्थ हाउस बिकॉज इट इज द ऑक्यूपेंट, बट सेकेंड इन स्ट्रेंथ। पहले इसके वो प्लैनेट्स जो हैं जो इसके नक्षत्र में बैठे हैं, पहले वो मजबूती से रिजल्ट देंगे, उसके बाद मून का नंबर आता है एज ऑक्यूपेंट। अब सन पे आ जाइए, सन बताइए फिर, सन फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देगा हमें, किसके थ्रू देगा? देखिए, नहीं और कोई नहीं बोलेगा, सन सर अनटेनेंटेड भी है ये, अनटेनेंटेड है, तो कोई अनटेनेंट का मतलब क्या हुआ? इसके ये मतलब इसके नक्षत्र में कोई वो नहीं है ना कोई नहीं है, तो फिर सन क्या करेगा? सर, स्ट्रॉन्गली देगा ये जो हमारे नीचे सब लॉर्ड्स हैं जिन जिन हाउसेस का अगर ये है तो। वो बाद में छोड़ दीजिए, अभी अभी वो सेकंड इसमें आएंगे जब कस्पल सब लॉर्ड्स को टेकअप करेंगे। अभी चूंकि अनटेनेंटेड है तो हाँ जी, जिस हाउस में बैठा है उसका सबसे स्ट्रांगली वो भी रिजल्ट, वो तो भी रिजल्ट देगा। फिफ्थ हाउस का रिजल्ट हमें सबसे स्ट्रांगली किससे मिलेंगे? मून के नक्षत्र में तीन प्लैनेट्स जो बैठे हैं कौन कौन से हैं? वो मार्स जुपिटर, जुपिटर एंड केतु, ये तीन हो गए, फिफ्थ का रिजल्ट ये सबसे स्ट्रांगली देंगे, एंड सन बिकॉज इट इज अनटेनेंटेड। ओके, देर इज नो टेनेंट इन इट्स नक्षत्र, दैट मीन्स उसका नक्षत्र खाली है, वो खुद अपने नक्षत्र का मालिक है। ये क्लियर है ना? हाँ जी, ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड लेवल रिजल्ट्स। ऑक्यूपेंट कैसे देगा? सबसे पहले उसके नक्षत्र में जो बैठे हुए हैं वो देंगे उस हाउस का रिजल्ट, उसके बाद सेकंड इन स्ट्रेंथ ऑक्यूपेंट खुद देगा। अब थर्ड इन स्ट्रेंथ आ जाइए, कौन देगा? वी आर कमिंग बैक टू केतु, थर्ड इन स्ट्रेंथ। अब आप बताइए ये राशि कौन सी है? कौन से सर, ये सिक्स था, उसमें सेवेंथ सेवेंथ हाउस, हाउस वर्गो। ये तो हम देख चुके हैं कि सबसे स्ट्रांगली केतु के जो टेनेंट्स हैं जिनके नक्षत्र में बैठे वो सेवेंथ का रिजल्ट देंगे, देख लिया हमने। सेकेंड इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ केतु देगा, ये भी हमने समझ लिया बिकॉज इट इज ऑक्यूपाइंग। थर्ड इन स्ट्रेंथ कौन देगा? थर्ड इन स्ट्रेंथ, सर जिसमें इसका नक्षत्र लॉर्ड बैठा है, थर्ड इन स्ट्रेंथ, सेवेंथ हाउस किस राशि में है? वर्गो, वर्गो का लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकरी, ठीक है, दैट मींस मरकरी ओन्स दिस सेवेंथ हाउस, सो इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ दिस सेवेंथ हाउस आल्सो एट इट्स लेवल। बट मरकरी के नक्षत्र में कौन बैठा है यहां पे देखिए आप,
मरकरी के नक्षत्र में कोई नजर आ रहा है आपको? सर सन है। तो ओनर, ओनर ऑफ द राशि और ओनर ऑफ द हाउस के नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठा है वो थर्ड इन स्ट्रेंथ देगा, और लास्ट सबसे वीकली ओनर ऑफ द हाउस देता है। ठीक है ना? क्लियर जी, है ना? ठीक है ये सर। बिना सिग्निफिकेटेड टेबल्स के अगर आप समझेंगे ना, फिर आपको कभी फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सिमिलरली फॉर ऑल दीज प्लैनेट्स। अब अभी हम पहले इसको खत्म कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशंस। सिग्निफिकेशंस दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेलर लेवल यानी कि स्टार लेवल, नक्षत्रा लेवल जिसको बोलते हैं। स्टेलर मतलब स्टार। ये ऊपर के चार्ट को जब हम डिस्कस करेंगे प्लैनेटरी पोजीशंस को, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशंस। अभी हमने देखा कि इसके चार प्लैनेट्स जो है ना मजबूती से रिजल्ट दे रहे हैं फिफ्थ हाउस के। ठीक है, जी मून के तीन टेनेंट जो हैं जुपिटर केतु एंड, जुपिटर केतु एंड मार्स, मार्स के तरह केतु एंड जुपिटर फिफ्थ का रिजल्ट देंगे, और सन भी देगा फिफ्थ का सबसे बहुत स्ट्रॉन्गली रिजल्ट बिकॉज अनटेनेंटेड है। तो चार प्लैनेट्स ए लेवल पे रिजल्ट देंगे फिफ्थ हाउस का। अब वो रिजल्ट कैसा होगा, वो रिजल्ट कैसा होगा, व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ दैट रिजल्ट, उस रिजल्ट की क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी होगी, खराब होगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, वीक, वो हमें कौन बताएगा? हु विल टेल अस हु इज गिविंग द रिजल्ट? नाउ लेट अस टेक फिफ्थ हाउस का मून के थ्रू कौन रिजल्ट दे रहा है? सबसे पहले ऊपर मार्स दे रहा है। ठीक है, हाँ मार्स दे रहा है ना? जी, ठीक है, तो मार्स फिफ्थ हाउस के कौन कौन से रिजल्ट दे सकता है? एनी एनी रिजल्ट रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस से जो भी हम देखते हैं सारा, मार्स भी दे सकता है, जुपिटर भी दे सकता है, और केतु भी दे सकता है, और सन भी दे सकता है। लेकिन ये किस तरह के रिजल्ट देंगे इसके लिए हमें मार्स के सब लॉर्ड को देखना होगा। मार्स का सब लॉर्ड कौन है? सेटल सैटर्न। नाउ वी हैव टू सी द सिग्निफिकेशंस ऑफ सैटर्न। जैसे हमने बाकी प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस देखे, वैसे हमें सैटर्न के सिग्निफिकेशंस को देखना है। अब आपको देखना है, उसको देखने के लिए मैं टेबल खोल दूंगा, वैसे ही समझिए सैटर्न क्या क्या सिग्निफाई करता है। तो इसके लिए सीधे आप चले जाइए, पहले सैटर्न देखिए किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। सैटर्न किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? जुपिटर। जुपिटर के। जी जुपिटर। तो सैटर्न जुपिटर का रिजल्ट देगा, सैटर्न जुपिटर का रिजल्ट देगा। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड थर्ड हाउस। हाउस। तो सैटर्न जो रिजल्ट, मार्स जो रिजल्ट देगा फिफ्थ हाउस का, वो थर्ड हाउस से क्वालिफाई होगा। अब तो आपको दोनों को कनेक्ट करना है। थर्ड हाउस इज ओवरऑल एन इंप्रूविंग हाउस इन कृष्णमूर्ति पद्धति। तो मार्स अपने दशा अंतर दशा में फिफ्थ हाउस का जो भी रिजल्ट देगा, मान लीजिए वो एक्टर बनना चाह रहा है, ठीक है, एक्टर बनना चाह रहा है, तो थर्ड हाउस क्या करेगा? थर्ड हाउस विल गिव हिम द करेज, द इनिशिएटिव, द ड्राइव, यू नो, टू परस्यू हिज करियर विथ विगर। यही अगर सैटर्न फोर्थ हाउस को सिग्निफाई करेगा तो वो फिर फिफ्थ हाउस को निगेट करेगा, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा थ्रू दिस सब लॉर्ड। अब मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, एक ही पर रोक दे रहा हूं। ठीक है, अब ये तो हो गया। चलिए, मार्स एज अ सिग्निफिकेटर फॉर द फिफ्थ हाउस इज प्रॉमिसिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मार्स के बाद मून के इसमें और कौन बैठा हुआ है। मून के बैठा हुआ है जुपिटर। अब जुपिटर क्या सिग्निफाई कर रहा है? सॉरी, जुपिटर का सब लॉर्ड कौन है? देखिए, जुपिटर का सब लॉर्ड वीनस। कौन है? वीनस। अब वीनस के इसी तरह से हमें यूज यही टेबल करना है, इसी का जो है ना, इसी का यहाँ जो सिग्निफिकेटेड टेबल्स आते हैं ना, ये इसी में से बन करके आते हैं। बट वी आर ट्राइंग टू यू नो मेक प्रेडिक्शंस विदाउट द यूज ऑफ दीज, जस्ट टू गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर इन अ माइंड।
तो नेक्स्ट चलिए, हमने मार्स देख लिया, जुपिटर, जुपिटर इज गिविंग द रिजल्ट ऑफ द फिफ्थ हाउस एट द स्टेलर लेवल। यस इट कुड बी एनी रिजल्ट, इट कुड बी प्रोजेनी, या हम लोगों ने जिस जिस चीज की बात की, जुपिटर अपने कारकत्व के हिसाब से देता है फिफ्थ हाउस का रिजल्ट। तो हो सकता है इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स का तरफ देता हो, कारकत्व भी आता है। जुपिटर का सब लॉर्ड है वीनस, ठीक है, जुपिटर हाँ जी का सब लॉर्ड वीनस है। तब हम वीनस के सिग्निफिकेशंस को देखेंगे। वीनस के सिग्निफिकेशंस को देखने के लिए हम वीनस के स्टार लॉर्ड को देखेंगे कि वीनस का स्टार लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। वीनस का स्टार लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? केतु है। कहाँ सेवन बैठा है? सेवेंथ। सेवन तो सेवेंथ से फिफ्थ, फिफ्थ रिजल्ट सर आने, अभी अभी सर अभी हम जुपिटर का देख रहे हैं, जुपिटर का स्टार लॉर्ड वीनस है, अभी हम वीनस को पढ़ रहे हैं, सर प्लीज हम अभी बता हम दें, वीनस का स्टार लॉर्ड ही ले रहे हैं, अभी हम जुपिटर का वीनस स्टार लॉर्ड ले रहे हैं सर, वीनस। वीनस का स्टार लॉर्ड ले रहा है, वीनस का स्टार लॉर्ड ले रहा है, वीनस का स्टार लॉर्ड केतु है, ठीक है। तो हमें जुपिटर जो रिजल्ट देगा फिफ्थ हाउस का, दैट विल बी कनेक्टेड टू द सेवेंथ हाउस थ्रू इट्स सब लॉर्ड वीनस। तो फाइव और सेवन का क्या कनेक्शन निकल करके आ सकता है? जुपिटर अपने दशांतर दशा में फिफ्थ में अफेयर करा सकता है ना, अफेयर ऑफ द हार्ट, यस और सेवेंथ को भी सिग्निफाई करा कर रहा है, तो क्या करा सकता है? लव मैरिज हो सकती है लव मैरिज करा सकता है, ठीक है ना। जी। आयर जी, हम अभी जुपिट, अभी हम फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेटर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं, वो अपने जो रिजल्ट दे रहे हैं वो सब लॉर्ड के थ्रू वो रिजल्ट कैसे क्वालिफाई हो रहा है। उसके लिए हमें सब लॉर्ड के सिग्निफिकेशंस उसी प्रकार से देखने हैं, सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड को ही पढ़ना है, ठीक है। अभी थर्ड क्या है देखिए, मून, मून का एक और था ना केतु, एटू ठीक है, हाँ जी केतु भी हमें फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देगा। ऑल दिस रिजल्ट्स दैट वी हैव स्पोकन अबाउट, एनी ऑफ द रिजल्ट्स केतु कुड ऑल्सो गिव ड्यूरिंग इट्स दशा अंतर दशा। ये अब ये तीनों अंतर दशा में ही देंगे, जुपिटर मार्स एंड वीनस, जुपिटर मार्स एंड कौन सा, केतु। एटू अब देखने के लिए कैसा रिजल्ट होगा, हम केतु के सब लॉर्ड जुपिटर को देखेंगे। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड जुपिटर, जुपिटर इज अगेन, जुपिटर का सब लॉर्ड है वीनस। तो हम देख चुके हैं, वीनस को स्टडी कर चुके हैं, वीनस क्या सिग्निफाई कि वीनस का सब लॉर्ड केतु है, अगेन द सेम थिंग सेवेंथ। सो केतु कुड ऑल्सो गिव द रिजल्ट, सेम रिजल्ट। ये एक एग्जाम्पल है, देर कुड बी मेनी अदर रिजल्ट। ऑल दीज प्लैनेट्स कैन गिव ऑल द रिजल्ट कनेक्टेड टू द फिफ्थ हाउस, वेदर दोज रिजल्ट आर गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमें चेक करना है थ्रू द सब लॉर्ड। अब बचता है फिफ्थ हाउस का सन ऑन इट्स ओन, सन भी रिजल्ट दे सकता है, कोई भी फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट है, प्रोजेनी भी दे सकता है, चाइल्ड बर्थ। अब हम सन के सब लॉर्ड को देखेंगे, सन का सब लॉर्ड कौन है, वीनस है। वीनस वीनस, वीनस केतु में बैठा हुआ है, सेम घूम फिर करके ये सारे जो है ना फाइव सेवन को कनेक्ट कर रहे हैं। चांस की बात है, चांस की बात है, ठीक है। इसी तरीके अब आप लोग बताइए, एनी कंफ्यूजन सो फार इन व्हाट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन? सर अब एक दो दिन ये हाउस सिग्निफिकेटर्स बंद करके ही चेक करते हैं हाँ अभी हाउस में आते हैं, हम हाउस में आते हैं, अभी हाउस में आते हैं। ये हम तो, ये तो हमने ये हमने प्लानिटरी सिग्निफिकेशन से पहले हमने देख लिया। अब हमने देख लिया कि देखिए, अब चलो, अब जैसे बात हो गई केतु, केतु थी की, ठीक है, आप जो बात कर रहे हो, तो अब हम सपोज हम मैरिज की बात कर रहे हैं, फाइव सेवन हमें मिल गया, ठीक है, हमें देखना है केतु में शादी होगी कि नहीं, तो केतु के हम दशा अंतर दशा महादशा में जाकर के देखेंगे। लेकिन उसके पहले हमें नीचे से परमिशन लेनी है, इस नीचे वाले ये रेक्टेंगल ब्लॉक जो है ना, इससे हमें परमिशन लेनी है कि ऊपर वाले जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं, ये नीचे वाले इस प्रॉमिस का ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये दिस नीचे वाला इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। ये कितना भी शादी ब्याह शहनाई बजवाएं, कुछ भी करवाएं, लेकिन नीचे वाला जो हाउस है मैरिज रिलेटेड, अगर वो मैरिज के गेट को बंद कर देगा ना अपने सब लॉर्ड के थ्रू, तो ये फिर शहनाइयां नहीं बजेंगी, वो लव 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 भी जो है मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा अगर शादी नहीं लिखी होगी। सर जो अनटेनेंटेड प्लैनेट है जैसे सन है ठीक है, वो किसी नक्षत्र लॉर्ड उसके नक्षत्र लॉर्ड में कोई प्लैनेट नहीं बैठा राइट, सन के नक्षत्र लॉर्ड में कोई नहीं बैठा राइट, जी
तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली सन का सब लॉट देखेंगे ना, उसकी पता करने के लिए कि कैसे रिजल्ट देगा। हाँ देख लिया ना सन का हाँ, सब लॉट सन का डायरेक्ट सब लॉट देखिए ना हम। बिल्कुल। ठीक, ओके, थैंक यू। ऊपर वाले इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, एक और ले लेते हैं कुछ हम लोग, चलिए देखते हैं। वेगो लेट अस टेक समथिंग एल्स, लेट अस टेक, चलिए ये पैसे का घर है, मून लेते हैं, ठीक है। मून का, मून किस हाउस में बैठा हुआ है, ऊपर देखना, सॉरी नीचे आना है हमें, ये भाव चार्ट में, खैर समझने के लिए कोई भी ले। ये मरकरी, चलिए मरकरी हमें किस भाव में बैठा हुआ है, किस कष्ट में बैठा हुआ है मरकरी, सिक्स, फिफ्थ, फिफ्थ, नहीं फिफ्थ कैसे, सिक्स सिक्स में, सिक्स, में बैठा हुआ है ना, और साथ में कौन बैठा हुआ है, वीनस। वीनस, वीनस, अब आप लोग बताइए मुझे बगैर मेरे इसके कि मरकरी और वीनस, मरकरी और वीनस बैठे हैं फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस का रिजल्ट हमें सबसे स्ट्रॉन्गली कौन सा प्लेनेट देगा, सर चलिए सन देगा, सन है सन मरकरी, स्टार लॉर्ड है सन का। देगा, सन देगा, और कोई है मरकरी के इसमें, ठीक नहीं है एक नहीं तो वीनस सन देगा और दूसरा, के नक्षत्र में कोई लॉट और कोई नहीं, ठीक है कोई तो फिर वीनस भी नहीं। अनटेनेंटेड है। हाँ इंटरनेट तो हमें फिफ्थ हाउस के सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स किससे किससे मिलेंगे, सिक्स हाउस के साथ, सन सन से मिलेंगे और वीनस से मिलेंगे। से मिलेंगे, वीनस से मिलेंगे, ठीक है। अभी मरकरी को हम छोड़ दे रहे हैं, मरकरी सेकेंड इन कमांड हो गया, सेकेंड स्ट्रेंथ आ गया बेटा, ठीक है ना। तो सन से और वीनस से, वीनस, वीनस सन से वीनस से मिलेंगे, ठीक। सिक्स जॉब, हाउस से क्या क्या देखते हैं हम, जॉब, डिजीज, पैसा तो बीमारी, पैसा, जॉब पैसा, लोन, ठीक है पैसा। लोन, तो करियर, अब आप बताइए किसको किसको आइडेंटिफाई किया आपने, सिक्स हाउस, सिक्स हाउस का, सिक्स हाउस का सन बताया ना आपने, अब आप बताइए मुझे सन कैसा रिजल्ट देगा सिक्स हाउस का। सन का सब लॉर्ड वीनस है। हाँ लॉर्ड वीनस है तो वीनस, जहाँ वीनस सिक्स्थ के ही रिजल्ट दे रहा है। नहीं, सब सब लॉर्ड वीनस है ना सर सन का, तो वो वीनस सिक्स्थ में ही बैठा है, तो सिक्स्थ हाउस के ही रिजल्ट दे रहा है वो। फिर वीनस का नक्षत्र लेंगे ना, वीनस का नक्षत्र लेना है, केतु वीनस वीनस का केतु, नक्षत्र ले, वो केतु है, हाँ है तो सेवेंथ का हाँ रिजल्ट देगा, सेवेंथ का रिजल्ट सिक्स्थ के रिजल्ट को क्वालिफाई करेगा। अब आपको सिक्स्थ और सेवेंथ के रिजल्ट्स को ब्लेंड करके देखना है कि उसमें से, उस ब्लेंड ब्लेंडेड रिजल्ट में से क्या निकल रहा है, सब, मैरिज ब्रेक हो सकती है, बीमार हो सकती है, ठीक है। भी हो सकती है। ये हो गया, चलिए ज्यादा नहीं करेंगे हम, एक एक एग्जांपल लेंगे। दूसरा कौन सिग्निफिकेटर मिल रहा है हमें, वीनस, सनी सन के बाद वीनस, वीनस, मरकरी में कोई नहीं है क्या, सन, हाँ सन और वीनस में कोई नहीं है, वीनस वीनस, अनटेनेंटेड है, वीनस यस अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड। वीनस है, तो फिर वीनस के डायरेक्टली आप सब लॉर्ड को देखिए, वो राहु भी केतु है, वो भी केतु है, वो सर, भी सब लॉर्ड तो राहु है सर, वीनस का राहु वीनस का, सॉरी हाँ वीनस का सब लॉर्ड राहु है, है, राहु के कहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट फर्स्ट हाउस में। हाउस में बैठा है, तो फर्स्ट और सिक्स्थ का क्या कनेक्शन है, सर अब राहु का नक्षत्र लॉर्ड भी देखेंगे ना, है? नहीं ना, राहु का नहीं नक्षत्र लॉर्ड भी देखेंगे ना सॉरी सर, उस केस में हम देख रहे हैं, इस केस में क्यों नहीं देख रहे हैं? सॉरी वीनस का, हाँ राहु, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं भी वहां, राहु का वीनस, वीनस का सब लॉर्ड राहु है, तो अब राहु, राहु के सिग्निफिकेशन देखिए, राइट, आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। तो वीन, राहु का कौन है नक्षत्र लॉर्ड, सेटन, सेटन, सैटर्न, ट्वेल्थ कहाँ बैठा हुआ है, ट्वेल्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस हाउस क्या करेगा, फॉरेन में जॉब देगा, अरे फॉरेन में फॉरेन जॉब दे सकता है, या में जॉब मैरिज, देगा, मैरिज को, पैसे को क्या करेगा, मैरिज लॉस या पैसा लॉस है, पैसा आएगा तो खर्चा होगा, ठीक है। उसका सिग्निफिकेटर जो सिक्स का है, किसका हम लोग देख रहे हैं, किसका सब लॉर्ड है राहु, किसका सब लॉर्ड है, वीनस, वीनस का सब लॉर्ड वीनस राहु है ना, तो सिक्स्थ का, वीनस को सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि वीनस अमंगस्ट अदर थिंग्स पैसा दे सकता है, लेकिन राहु चूंकि उसका सब लॉर्ड है और वो ट्वेल्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो पैसा जो आएगा वो राहु खर्चा कराएगा, खर्चा कराएगा, बीमारी भी दे सकता है, क्योंकि सिक्स्थ और ट्वेल्थ, इट इज नॉट अ गुड कनेक्शन, लेट अस पुट इट दैट वे। आप एक तरफ से तो कमा रहे हैं, दूसरे तरफ से, और ट्वेल्थ हाउस के नेगेटिव भी सिग्निफिकेशन हो सकते हैं। अब उसमें फर्दर घुसने के लिए अभी मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं,
मे बी 12th हाउस के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। फॉरेन हाँ तो पैसा भी मिल सकता है। वो भी मिलेंगे। 6th हाउस के भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हम यहाँ स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हम समझने के लिए। वो मैंने बताया ना कि बॉस तो रिजल्ट्स को अलाउ करने वाला बॉस तो ये नीचे होता है। कौन सा हाउस का आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा और कौन से हाउस के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ये नीचे के सब लॉर्ड्स डिसाइड करेंगे। ये तो हम प्लानिटरी पोजिशंस की हम सिग्निफिकेशंस को समझ रहे हैं। राहु से 12th हाउस कैसे गए हम, एक बार बता दीजिए फिर से। राहु से 12th हाउस यूं गया क्योंकि ओके वीनस जो है 6th हाउस का सिग्निफिकेटर है ना, हाँ तो कैसा रिजल्ट 6th हाउस के कौन कौन से सिग्निफिकेटर है बताइए, फिर से आ जाइए। चलिए 6th हाउस के कौन कौन से सिग्निफिकेटर निकाले आप लोगों ने? सन सन और वीनस, सन और ऑफ वीनस वीनस, वीनस डायरेक्ट सिग्निफिकेटर बन गया ना, अनटेनेंटेड है। हाँ तो अब वीनस रिजल्ट देगा 6th हाउस का, ठीक है। वीनस रिजल्ट दे रहा, मान लीजिए आपको वीनस पैसे पैसे प्रॉमिस कर रहा है। 6th हाउस से हम पैसे देखते हैं, पैसे देखते हैं, लेकिन पैसे आएंगे। वीनस अपने दशा अंतर दशा में आपको पैसे देगा। क्या वो पैसे ठहरेंगे आपके बैंक में, आपके सेविंग में जाएंगे, या वो व्यर्थ में पैसे उड़ जाएंगे, ये हम देखेंगे वीनस के सब लॉर्ड से। वीनस का सब लॉर्ड कौन है? राहु राहु राहु। राहु के सिग्निफिकेशंस को वैसे ही फिर देखेंगे। राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? नक्षत्र लॉर्ड ऑफ द सब लॉर्ड कौन है? वो थर्ड कहाँ बैठा है? राहु, हाउस राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सैटर्न। अच्छा सैटर्न कहाँ बैठा है? ट्वेल्थ तो वीनस जो 6th हाउस का रिजल्ट देगा उसकी क्वालिटी इज डिसाइडेड बाय राहु। सर इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, हाँ जी, मैंने इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं 12th को देख। बताया ना, वो इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। हर एक घर के कुछ अच्छे क्वालिटीज रिजल्ट्स होते हैं और कुछ बुरे रिजल्ट्स होते हैं, वो भी मेनली 8th एंड 12th, 6th 8th एंड 12th के अच्छे बुरे मिक्स रिजल्ट होते हैं। उसी बाकी प्रकार हाउसेस के रिजल्ट जनरली नेगेटिव नहीं होते हैं। 6th 8 एंड 12th, वो भी 6th तो कम, 6th एक बीमारी देता है, उसके अलावा सब पॉजिटिव है। नौकरी देता है, पैसा देता है, सारा कुछ देता है, ठीक है। 8th एंड 12th ज्यादा बुराई बुरे बुरा फल देते हैं और कम फल अच्छे देते हैं, लेकिन उनके भी अच्छे फल है। तो उनके सब लॉर्ड्स अगर स्ट्रांग होंगे वो फिर हम आ रहे हैं, तो फिर आपको 8th हाउस एक्सीडेंट नहीं दे करके आपको इनहेरिटेंस दे सकता है, विंडफॉल दे सकता है। फिर वो जजमेंट अलग चीज है। अभी हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं बिना सिग्निफिकेटेड टेबल्स के। अब देखिए मैं सिग्निफिकेटेड उसी टेबल्स तरह खोल देता हूँ। सन का चलिए, भी सब लॉर्ड देखेंगे ना, फिफ्थ हाँ, सिक्स्थ हाउस सभी का सब लॉर्ड सन देखिए, का सब लॉर्ड के सभी का सब लॉर्ड्स तो लिए आपको सिक्स्थ सभी का हाउस देखना का है, सिग्निफिकेंस देखने के लिए सन सभी का का भी आपको सब देखेंगे लॉर्ड देखना है। सन सर यहाँ पे का मेरा एक, सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज अगर माइंड ना का करें। अगर एक हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, अगर हमने फोर्थ हाउस हाँ, पढ़ना है, उस पर ब्लैंक, उसको तो भी फिर हम आ उसका रहा राशि ला लेंगे। जी हाँ उस पर भी आ रहा है। अब आई वाज नेक्स्ट, आई जी वाज हाँ कमिंग जी हाँ बैक। ओके सर लेट अस टेक द टेंथ, हाँ लेट सर, अस उससे टेक द पहले सर एक टेंथ चीज, सैटर्न सर 12th हाउस में बैठा है, वो भी कंसीडर करेंगे ना, सैटर्न किसकी राशि है, मतलब 11th की राशि लॉर्ड है, तो वो हाउस भी कंसीडर करेंगे ना 11th। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी 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 छोड़ नहीं है दीजिए आप। अभी भी अच्छा अभी इतने पर ही रहिए, वो आगे मत बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप ठीक है बढ़ते हैं। सर पहले समझते हैं कि ऑक्यूपाइड हाउसेस के रिजल्ट हमने देख लिए, अगर कोई प्लैनेट बैठा है, हमें ऑक्यूपाइड हाउसेस के जी रिजल्ट देखिए। अब अनऑक्यूपाइड हाउसेस के रिजल्ट्स को हम देखते हैं। रिकॉर्डिंग हमने हाँ चालू जी हाँ कर रखी है ना। जी सर 10th हाउस आइए, 10th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, मेनली बताइएगा। मेनली प्रोफेशन सर प्रोफेशन पहले करियर सेम स्टेटस सेम प्रोफेशन देखते हैं मेनली, नेम ठीक सेम है। मेन तो 10th हाउस से प्रोफेशन है, एंड प्रोफेशन से रिलेटेड स्टेटस है, फाइनेंसेस भी हैं, बहुत कुछ है 10th हाउस से रिलेटेड। 10th हाउस में कौन प्लैनेट बैठा है? कोई प्लान नहीं कोई है, भी कोई नहीं, कोई भी नहीं बैठा है। तो फिर हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि 10th हाउस का रिजल्ट हमें सबसे स्ट्रांगली कौन देगा? फिर जुपिटर राशि जुपिटर लॉर्ड जिसमें बैठा है, राशि लॉर्ड होगा, इसको मत देखिए, जुपिटर इसको वीनस के नक्षत्र में इसको बैठा हुआ हटा था। दें। 10th हाउस में अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो फिर क्या करेंगे हम? फिर पैटर्न इसका देगा स्ट्रॉन्गेस्ट सर सिग्निफिकेटर हम कैसे चूज करेंगे? राशि लॉर्ड के थ्रू, राशि राशि लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है, लॉर्ड कौन है इसका? जुपिटर जुपिटर। जुपिटर जुपिटर है, ठीक है। तो जुपिटर जुपिटर देगा सबसे स्ट्रॉन्गली रिजल्ट इसका? नहीं सर, जुपिटर जो नहीं, उनसे मिलता सैटर्न देगा, है, जिस सैटर्न देगा स्टार सर, लॉर्ड, सैटर्न सैटर्न देगा, ठीक है। सैटर्न देगा, क्यों सैटर्न देगा?
जुपिटर का स्टार लॉर्ड सैटर्न क्योंकि वो जुपिटर है। के नहीं स्टार में, सर, जुपिटर का स्टार लॉर्ड सैटर्न नहीं है, सैटर्न सैटर्न का स्टार का, लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न का स्टार लॉर्ड स्टार जुपिटर, लॉर्ड जुपिटर जुपिटर का इज द स्टार स्टार लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ, जुपिटर के जुपिटर इज द स्टार पैटर्न लॉर्ड सैटर्न। ऑफ सैटर्न, ठीक है। यस जुपिटर द ओनर ऑफ द 10th हाउस, द लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस इज द स्टार लॉर्ड ऑफ जुपिटर, और ठीक जुपिटर इज सिटिंग इन द स्टार ऑफ द ओनर ऑफ द 10th हाउस विच इज, 10th हाउस विच इज जुपिटर, ठीक है। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसमें ओनर जो है ना, जो लॉर्ड है बैठा है, तो वो इस अनऑक्यूपाइड हाउस का रिजल्ट सबसे स्ट्रांगली देगा। सैटर्न तो सैटर्न हमें अपने दशा अंतर दशा में प्रोफेशन रिलेटेड, हमें वो प्रोफेशन दे सकता है, हमें प्रोफेशन अपने सैटर्न के अंतर महादशा 19 साल की चलती है, या अंतर दशा 3 साल 4 साल 2 साल की चलती है। सैटर्न अपने दशा अंतर में 10th का फल देगा, 10th का हमें देगा। अब वो फल मीठा होगा, खट्टा सब होगा, लॉर्ड कड़वा से, होगा, वह कैसे पता चलेगा, सब कैसे लॉर्ड पता से चलेगा? सब लॉर्ड से। कौन है सब लॉर्ड? सैटर्न का, सब लॉर्ड मरकरी है, मरकरी। मरकरी, ठीक है। मरकरी क्या सिग्निफाई कर रहा है? सर मरकरी का स्टार सिक्स, लॉर्ड देखेंगे सर, केतु। सिक्स, सिक्स नहीं, मरकरी का स्टार लॉर्ड देखेंगे ना, उसके सिग्निफिकेंस देने के सिक्स लिए। और सेवन। मरकरी का स्टार लॉर्ड कौन है? केतु है तो सेवन कहाँ सिग्निफाई केतु करेगा, कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। सेवेंथ हाउस में। तो सेवेंथ, सेवेंथ रिलेटेड रिजल्ट विद द 10th हाउस, क्या मतलब हुआ? 10th ऑफ प्रोफेशन, और सेवेंथ को अगर कनेक्ट होता है तो बिजनेस, बिजनेस सर, बिजनेस उसका प्रोफेशन, बिजनेस, ये आदमी पार्टनर, बिजनेस कर, ये पार्टनर्स, आदमी बिजनेस कर सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है करेक्ट। पार्टनरशिप कर सकता, बिजनेस सबसे प्राइमरीली तो बिजनेस कर सकता है, प्राइमरीली ये बिजनेस कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अनऑक्यूपाइड हाउस का। अनऑक्यूपाइड हाउस को हम लोग इस तरीके से देखते हैं। अच्छा चलिए, ये हो गया ना, अब हम इसको खोलते हैं। अभी हम अभी भी नीचे इस पर नहीं आ रहे हैं, इस टेबल पे नहीं आ रहे हैं। ओके ये टेबल हमने खोल दिया, ये सब आप लोगों को नजर आ रहा है ना टेबल, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये इसके सामने आ जाता है। ये जो फोटो आप लोगों की ऊपर, आप लोगों को ऊपर नजर आ रही है फोटो, या साइड में नजर आ रही है? साइड में मतलब ये कवर्ड है क्या? ये नहीं सर, कवर्ड कवर नहीं है सर, हम नहीं, ऊपर कर सकते हैं, उसमें पब्लिक ऑप्शन करनी है है ना जूम सर। में। हाँ जूम में ऑप्शन होता है, ऊपर कर सकते हैं फोटो। अच्छा अभी तो नजर आ रहा है ना, यस सर, ये हम लोग सर्टिफिकेटेड टेबल आ रहा है ना नजर, ठीक हाँ है। जी सर आ चलिए रहे हैं। चलिए चलिए, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हम आ जाते हैं 9th हाउस पे, ठीक है। 9th हाउस को यहाँ देखिए, अब इस टेबल को मत देखिएगा, ठीक है। 9th हाउस, 9th हाउस अनऑक्यूपाइड है। जी सर, मार्स, 9th हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कौन होगा? जुपिटर मार्स, सर, मार्स जहां बैठा है, मार्स मार्स है ना, मार्स अनटेनेंटेड है अनटेनेंटेड है सर, मार्स तो मार्स ही होगा। सर, तो मार्स ही होगा। ओनर है, उसके स्टार में कोई नहीं बैठा है, जी तो हाँ ये अनटेनेंट। देखिए ये 9th का, अब आप देखना शुरू कीजिए, ये 9th के सामने 3 कॉलम ब्लैक है ना, ये ओनरशिप की कॉलम है, ठीक है। मार्स इज द ओनर ऑफ द 9th हाउस, ठीक। यस सर, मार्स इज द ओनर ऑफ द 9th हाउस, एंड देयर इज नो प्लैनेट इन इट्स स्टार, नो प्लैनेट इज ऑक्यूपाइंग द 9th हाउस, सो देयर कैनॉट बी एनी प्लैनेट इन दी ऑक्यूपेंट ऑल्सो, ऑक्यूपेंट स्टार ऑल्सो। सो मार्स इज द होल सोल सिंगल, इट इज द सिंगल सिग्निफिकेटर ऑफ द 9th हाउस, सिंगल सिग्निफिकेटर ऑफ द 9th हाउस एट द स्टेरर लेवल। अभी इस टेबल को हमने नहीं देखा है, नीचे वाले टेबल को, ये टेबल बढ़ सकता है। ये मार्स अपने दशा अंतर दशा महादशा प्रत्यंतर दशा में 9th का रिजल्ट देगा। अब वो 9th का रिजल्ट कैसा होगा, वो फिर, अब फिर हम उसके इस पे चले जाएंगे। सब सब लॉट पे, सब लॉट, सब लॉर्ड, लॉट सब लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न किस किस स्टार में बैठा है? जुपिटर, जुपिटर कहाँ बैठा जुपिटर, हुआ है? मार्स, जुपिटर बैठा हुआ थर्ड थर्ड, हाउस, ओके। थर्ड थर्ड हाउस में और 9th का क्या कॉम्बिनेशन होता है? सर, शॉर्ट ट्रेवल, ट्रेवल, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेवल्स, लॉन्ग हो, लॉन्ग भी, हाँ लॉट 9th से लॉन्ग ऑनलाइन ऑफ ट्रेवलिंग, कुड गो अब्रॉड ऑल्सो। अगर डायरेक्ट। 12th का थर्ड और 9th के साथ 12th का अगर कॉम्बिनेशन आ जाता है तो बाहर भी जा सकते हैं, फॉरेन ठीक है। सेटल, 9th से स्पिरिचुअलिज्म, 9th से फादर, और हाईएस्ट अगर लर्निंग फोर्थ आ करना। जाए तो एजुकेशन भी हो सकती है सर, हाँ जी, हाँ अगर फोर्थ आ जाए तो एजुकेशन भी हो सकती है फॉरेन, हायर हाँ 9th इज हायर एजुकेशन ऑल्सो, एजुकेशन, ठीक 9th इटसेल्फ इज हायर एजुकेशन। है। हाँ सो
ओवरऑल मार्स हैज अ वेरी गुड सिग्निफिकेशन यू कैन से फॉर दी ट्रैवलिंग नाइन्थ हाउस. ओके, इन नाइन्थ दिस हाउस तो मार्स इज अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट अपनी दशा अंतर दशा में. वो अच्छी अच्छी अच्छा, यू नो इट ट्रैवलिंग देर इज नो नेगेटिविटी अबाउट मार्स, लेट अस पुट इट दैट वे. तो ये इस तरीके से हमने पढ़ लिया. देखिए अब कोई कोई कॉलम आप देखो, जैसे मार्स यहाँ पे एबीसीडी खाली है. अब एबीसीडी को भूल जाइए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अब बिना इसके पढ़े हुए. जैसे जया जी, हम जो सुबह हमने शुरू किया था सेवेंथ हाउस से, देखिए ये केतु ऑक्यूपेंट है ना सेवेंथ हाउस का, यस सर ये कॉलम बी में बैठा हुआ है, ये ऑक्यूपेंट का कॉलम है. इसको मैं यूं खोल देता हूँ, देखिए ये इसमें ज्यादा अच्छे से आपको नजर आएगा. इसमें लिखा हुआ है सेवेंथ हाउस का ऑक्यूपेंट केतु है, ठीक है, जो हम देख रहे थे. यस केतु के स्टार में जो जो है वो कॉलम ए में आ गया है, ठीक है. दीज प्लैनेट्स दे बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ केतु. देन इन ऑर्डर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ए ए कॉलम में जो बैठे हुए हैं, या L1 भी कहलाता है, लेवल वन. ये तीन सिग्निफिकेटर्स L1 है, लेवल वन. टू गिव द रिजल्ट ऑफ द सेवंथ हाउस, दे विल गिव द रिजल्ट ऑफ द सेवंथ हाउस इन देयर दशा अंतर दशा. हाउ द रिजल्ट क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट विल बी डिफाइंड बाय द सब लॉर्ड्स. आफ्टर दैट सेवंथ हाउस का रिजल्ट केतु देगा अपने दशा अंतर दशा में. माइंड यू ऑक्यूपेंट का रिजल्ट भी जो होता है प्रैक्टिस में, ये देखा गया है ऑक्यूपेंट का रिजल्ट भी बहुत कमजोर नहीं होता है, ठीक होता है. उसके बाद थर्ड है कि ओनर, ओनर जो है सेवंथ हाउस का, मरकरी है ना, वर्गो लग्न थी. ओनर ओनर का कॉलम यह है, ओनर डी. देखिए ओनर के नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठा है सन, ये थर्ड इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ सन देगा. उसमें सबसे वीक रिजल्ट ओनर खुद देता है अगर ये कॉलम्स ब्लैंक हैं. यहाँ मार्स और वीनस के केस में ये कॉलम्स जो है ना ये ब्लैंक हैं, तो वीनस और मार्स फुल स्ट्रेंथ में देंगे. अगर ये कॉलम्स ब्लैंक नहीं है जैसे सिक्स्थ हाउस सेवंथ हाउस के लिए, तो ये ओनर्स जो है सिक्स्थ का सन और सेवंथ का ओनर्स यानी कि लॉर्ड, सेवंथ का मरकरी, ये बहुत वीक रिजल्ट्स देंगे अपने हाउसेस के ओनरशिप का, जो कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ओनरशिप के रिजल्ट, उसमें दो ही ओनर, दो ही रिजल्ट माने ही जाता है, ओनरशिप एंड ऑक्यूपेंसी, दो ही रिजल्ट होता है, नक्षत्र का कॉन्सेप्ट नहीं है. तो ये दिस इज हाउ प्लैनेट्स वर्क. और हमें एक भाव का रिजल्ट कैसे कैसे, हर एक भाव का रिजल्ट मिल सकता है, आई थिंक अब आज सबको क्लियर हो गया होगा. और लोग कुछ बोलेंगे? कैन आई हैव द अदर्स ऑल्सो ऑन, लेट मी स्टॉप दिस शेयरिंग एंड आस्क. सर अभी पिक्चर एकदम क्लियर हो रहा है, कोई इशू नहीं है हाँ बताइए. यस वेंकट, टेल मी. सर. कुड यू जस्ट रिपीट द लास्ट स्टेटमेंट यू टोल्ड. लास्ट स्टेटमेंट, जस्ट रिमाइंड मी व्हाट आई टोल्ड. विथ रिगार्ड्स टू हाउस विच हैज नो ऑक्यूपेंट. ओके, लेट अस टेक अ हाउस व्हिच हैज नो ऑक्यू. व्हिच हाउस डू यू वांट टू टेक? द स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ यू. We take the fourth house, sir. टेक द फोर्थ हाउस. ओके, लेट अस टेक द फोर्थ हाउस. देयर इज नो ऑक्यूपेंट ऑफ द फोर्थ हाउस, सो वी यस स्ट्रेट अवे गो टू द ओनर ओके और द लॉर्ड, स्वामी हिंदी में, ठीक है. मर्क्यूरी ओके, हु इज द ओनर? मर्क्यूरी ओके, नाउ मर्करी विल गिव द रिजल्ट ऑफ द फोर्थ हाउस. ओके इफ देर इज नो प्लैनेट सिटिंग इन इट्स नक्षत्र, देन मर्करी विल गिव द रिजल्ट ऑफ इट्स ओन हाउस इन फुल स्ट्रेंथ. बट इफ देर इज अ प्लैनेट सिटिंग इन द नक्षत्र ऑफ मर्करी, विच यू हैव टू चेक फ्रॉम दिस टेबल अगेन, देन दैट प्लैनेट विल फर्स्ट गिव द रिजल्ट ऑफ दिस वेकेंट हाउस इन फुल स्ट्रेंथ. आफ्टर दैट द ओनर मर्करी विल गिव. सो मर्करी, इज देर एनी प्लैनेट सिटिंग इन द स्टार ऑफ मर्करी? कैन यू सी सन सन? सो सन विल फर्स्ट गिव द रिजल्ट ऑफ द फोर्थ हाउस. हियर ऑल्सो यू कैन सी फ्रॉम हियर इन दिस टेबल ऑल्सो, सी फोर्थ हाउस, ए एंड बी आर ब्लैंक. ओके, सो या वी गो स्ट्रेट अवे टू द ओनर. हु इज द ओनर रिटन इन द कॉलम डी? इट इज मर्करी. ओके एंड हु इज सिटिंग इन इट्स स्टार? सन सो सन इन फुल स्ट्रेंथ विल गिव द रिजल्ट ऑफ द फोर्थ हाउस फॉलोड बाय मर्करी. ओके, बट रिमेंबर, ये टेबल मैंने इसलिए खोला कि अपने वेकेंट हाउस का रिजल्ट
ओनर देता है, इफ देर इज नो प्लैनेट ऑक्यूपाइंग इट्स हाउस देन द ओनर ऑल्सो गिव्स द रिजल्ट विद सम स्ट्रेंथ, मे बी नॉट, इट इज नॉट टेंजिबल, इट इज नॉट, यू नो, इट इज डिफिकल्ट टू से कौन ज्यादा स्ट्रांगली देगा, सन या मरकरी, बट आई वुड से इफ दिस इट्स हाउस इज वेकेंट देन मरकरी विल गिव द रिजल्ट ऑफ दिस फोर्थ हाउस इन गुड मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, मोर सो इफ इट इज the मूल त्रिकोण राशि. हाउएवर दिस इज नॉट द मूल त्रिकोण राशि. नाउ आई एम बोरोइंग द टेनेट्स ऑफ वेदिक एंड आउट ऑफ माई यस एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट द मूल त्रिकोण राशि. हाउएवर स्टिल मरकरी विल गिव द रिजल्ट ऑफ द फोर्थ हाउस ऑल्सो, मे बी नॉट एज स्ट्रांगली एज सन वुड डू, बट ऑलमोस्ट इन इक्वल मेजर इट विल गिव द रिजल्ट. यू विल सी ड्यूरिंग इट्स अंतरदशा दशा वॉट एवर Mercury is going to give the result of the fourth house. So can we assume that Mercury would maybe give results at the B level? Or would it only give results at the D level? No, this becomes B. Okay. When, see, keep shifting, okay? If Okay. A and B are blank, then C shifts to A. A and B shift and D shifts to B. Okay. Sun Understood. becomes the first A level significator or the L1 level 1 significator, and Mercury becomes the level 2 or the B level significator. These are the concepts that we have to, you know, that is why I kept this class today. Okay, sir. Understood. Thank you. Okay, ये अगर क्लियर हो गया है तो फिर अब हम नीचे चलते हैं. If this is clear, then we will come down. Okay, now which were the untenanted planets जो हम लोगों ने नोट किए थे, किसके किसके कौन कौन सा अनटेनेंटेड प्लैनेट है, आप लोग जरा फिर से देखिए, स्टार लॉर्ड में कौन कौन मिसिंग है. अनटेनेंटेड प्लैनेट्स यू विल नॉट फाइंड हियर इन दिस कॉलम, और यू मे फाइंड सम, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. मार्स है सर, मार्स है, एक तो मार्स हो गया, और शायद वीनस भी है. वीनस वीनस है, सन एक और कौन सा है? सन नहीं, है, राहु तो है नहीं. हाँ, सन सर, सन भी है, सन भी है, सन भी है, राहु 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 भी है, राहु भी है सर. सन, वीनस एंड मार्स, मार्स, दे केतु आर भी है। फोर अनटेनेंटेड प्लैनेट्स. अनटेनेंटेड प्लैनेट्स का और भी डेफिनेशन है, वो भी अभी बताता हूं. ये अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हैं जिनके की नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं बैठा है, और इवन इफ दे आर सिटिंग इन देयर ओन नक्षत्र, ओके, दे बिकम अनटेनेंटेड प्लैनेट्स, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ अनटेनेंटेड प्लैनेट. कोई प्लैनेट ऐसा है जो कि अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है? मार्स इन मून, सन मरकरी इन केतु, जुपिटर इन मून, वीनस इन केतु, सैटर्न इन जुपिटर, मार्स इन जुपिटर, मार्स इन मून, नो. ठीक है, देर इज नो सच, देर इज नो प्लैनेट सिटिंग इन इट्स ओन नक्षत्र. सो दीज फोर प्लैनेट्स, नाउ सी, ये फोर प्लैनेट्स हमें ये नीचे के सबलॉर्ड कॉलम में नजर आ रहे हैं क्या? यस सर, मार्स आ मार्स रहा मिल था। रहा है, मार्स, मिल मार्स ये सबलॉर्ड रहा किस 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 सबलॉर्ड का, किस कस्प का सबलॉर्ड है मार्स? है, फर्स्ट एंड फर्स्ट सेकेंड, सेकंड सेकेंड, सिक्स्थ एंड सिक्स, सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड सिक्स. तो मार्स अगर यहाँ पे इसमें फर्स्ट सेकेंड सिक्स में नहीं भी अपीयर कर रहा है, ये हाउस वाइज सिग्निफिकेटेड टेबल्स राइट में, तब भी मार्स फर्स्ट सेकेंड और सिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो जाता है. अपने दशा अंतर दशा में मार्स फर्स्ट सेकेंड और सिक्स का भी रिजल्ट देगा. सिमिलरली वीनस, इज वीनस अपियरिंग एज सब लॉर्ड? नो. और कौन सा था? सन राहु. राहु इज अपियरिंग एज सब लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस. सो राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ द सेवेंथ सेवेंथ हाउस, इवन इफ राहु इज नॉट अपियरिंग हियर एज वन ऑफ द सिग्निफिकेटर्स, अगेन अगेंस्ट द सेवेंथ हाउस, फॉर द सेवेंथ हाउस. एंड देयर वाज अनदर वन, सन. सन आठवें भाव का, आठवें कस्प का सब लॉर्ड है. सो सन
विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 8th एंड द 12th कस्प। रिमेंबर, अभी सन के जितने हमने यहाँ रिजल्ट्स देखे, यहाँ इसमें सन के, आप ध्यान रखिएगा कि इनके एडिशन में सन 8th और 12th का भी रिजल्ट देगा। ओके ओके, अनटेनेंटेड कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा ज्यादा, अनटेनेंटेड वाला कि दूसरा? वाला टेक्स प्रिसीडेंस, स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, लॉर्ड वाला। ये क्लियर हो गया ना। अभी एक और कैटेगरी है, इफ देर इज ए एक्सचेंज ऑफ नक्षत्रास, इफ देर इज ए एक्सचेंज ऑफ, दो कैटेगरी हमने बता दिया, एक तो इसके नक्षत्र में या स्टार में कोई प्लैनेट नहीं हो, अनटेनेंटेड हो गया, यानी कि उसका कोई किराएदार नहीं हो, ठीक है, टेनेंट मतलब किराएदार, अगर वो उसका घर खाली है, नक्षत्र उसका खाली है। दूसरा, इफ देर इज एन एक्सचेंज बिटवीन नक्षत्र, जैसे इसमें देखें सन सन मरकरी में है, तो क्या मन मरकरी सन में है? नहीं है। फिर मून केतु में है, तो क्या केतु मून में? हाँ, कि देखिए केतु मून में है, ठीक है, हाँ, तो बोथ मून एंड केतु दे ऑल्सो बिकम अनटेनेंटेड प्लैनेट्स। ओ थ्री कंडीशंस, अच्छा, और यहाँ पे एक दो कंडीशन आपको मिल जाएंगे इसके अलावा, जो वाई वाई लिखा है तो वो CIL के कंडीशंस हैं, उसको छोड़ दीजिएगा। ये तीन कंडीशंस आपको अनटेनेंटेड प्लैनेट मानना है, एक तो नक्षत्र में उसके कोई प्लैनेट ना हो, दूसरा वो अपने ही नक्षत्र में हो, या फिर म्यूचुअल म्यूचुअली नक्षत्र का एक्सचेंज हुआ हो। तो दीज, इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो इनके सिग्निफिकेशंस जो है ना, ये आपको इस टेबल में नहीं मिलेंगे। ये आपको जब कोई आप प्रिडिक्शन टेकअप करते हैं, तो आपको एक कागज पेंसिल ले करके ये आपको यहाँ नोट कर लेना अलग से, कि इनके अलावा जो है अनटेनेंटेड प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, और वो किस किस कस्प के सबलॉर्ड बन रहे हैं, सो दे बिकम दी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स ऑफ दोज कस्प्स और दोज हाउसेस और दोज भावास। ऐसे सर प्लैनेट जो कि अनटेनेंटेड हैं, हिंदी में बोल रहा हूँ, अनटेनेंटेड हैं वो, अगर किसी भाव या कस्प के उप नक्षत्र स्वामी या सबलॉर्ड बन जाते हैं, तो वो उस भाव के बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन जाते हैं, ठीक है। सर अभी तक तो जहां पे भी PSY था हम लोग उसको अनटेनेंटेड ले रहे थे, आप बोल रहे हो कि हर एक को नहीं लेना है, CIL वाले कंसेप्ट को नहीं लेना है। CIL वाले कौन, फोर्थ, खाली उसका एक ही और कॉन्सेप्ट है, वो राहु अच्छा केतु से कनेक्टेड है, उसको छोड़ दीजिएगा, वो डोंट, उसको हम लोग नहीं करेंगे, उसको हम नहीं लेते हैं इसमें, ठीक है, उसको आप, आपको मिल जाएगा इसमें, शायद एक आध निकल जाए। तो कितने प्लैनेट्स हमने गिने आप बताओ, एक्सचेंज लेकर के चार छह गिने होंगे, यहाँ शायद सात है, छह गिने गिने थे शायद हम लोगों ने, यहाँ सात है, तो आप ऑलमोस्ट आपका काम हो जाता है, ठीक है। थे। हाँ ये क्लियर हो गया ऊपर वाले टेबल का? इज दिस क्लियर? यस सर, इसमें कुछ और पूछना है तो बताइए मेरे को। अरे यहाँ पे राहु केतु है, मतलब राहु है इसलिए केतु के में भी वाय है, अदरवाइज वो 6 आपने जो पहले काउंट किया था बरोबर ही है। सॉरी, नहीं सुन, नहीं मैं सुना ही नहीं पड़ा ठीक से। यहाँ पे राहु जो हमने अनटेनेंटेड गिना था उसके साथ साथ में एग्जिट ऑपोजिट में केतु भी है, वो इसलिए केतु में वाय लिखा हुआ है। हाँ, वो छोड़ दीजिए आप, फॉरगेट इट, उसको छोड़ दीजिए आप। अब आप, हम नीचे आते हैं, अब हमने तो देख लिया ऊपर, हमने देख लिया, मैंने ये क्यों आपको बताया, मैंने आपको ये क्यों समझाया कि कौन सा प्लैनेट कौन से भाव का रिजल्ट देगा, कौन सा प्लैनेट शादी दे सकता है, कौन सा प्लैनेट पैसा दे सकता है, कौन सा प्लैनेट आपको आर्टिस्ट बना सकता है, या जो है आपको इंटेलेक्चुअल पर्स्यूट में ले जा सकता है, कौन सा प्लैनेट आपको ट्रैवलिंग करवा सकता है, शॉर्ट जर्नीज लॉन्ग जर्नीज विदेश ले जा सकता है, ये सब हम इन प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस को देख करके इनकी दशा अंतर दशा से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे केतु है, ये केतु चल रहा है, अब केतु में हमने क्या देखा था, केतु क्या क्या, केतु क्या क्या दे रहा है हमें, देखिए केतु, फिर एक बार हम आ जाते हैं, केतु मून के नक्षत्र में, मून कहाँ बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, तो केतु और दो छह, अब छठे भाव में नौकरी दे सकते हैं, एकदम एक वो ले रहे हैं हम, सेकंड का सिग्निफिकेटर केतु, सिक्स्थ का सिग्निफिकेटर हो गया।
केतु सर भाव चार्ट में, सर देखो ना आप, अच्छा हाँ राशि सॉरी चार्ट में देखो। चले जा रहे, इसलिए मैं साउथ इंडियन वाला खोलता हूँ। केतु सिक्स था, उसका सिग्निफिक नीचे। केतु मून, मून क्या कहाँ है? बताऊँ उसको सर, फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ ठीक हाउस, है। केतु फिफ्थ फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है कि केतु फिफ्थ हाउस का रिजल्ट दे रहा है, तो केतु के साथ हम फिफ्थ हाउस में, हम सेवेंथ हाउस का कौन सिग्निफिकेटर है? मून है। केतु में मून ढूंढेंगे, देखिए हम, ठीक है। केतु में 5 7 आ गया, 5 7, अब हम 11 ढूंढेंगे, 11 ढूंढेंगे राहु। इसमें राहु ढूंढ लीजिए आप, राहु पे क्लिक कर दीजिए, तो हमें मिल गया 5 7 11। अब हम 2 ढूंढेंगे मार्स, इस कॉम्बिनेशन में मार्स को क्लिक कर दीजिए, तो ये शादी की डेट निकल सकती है इस प्रकार से। लेकिन क्या शादी होगी? मैं जो बोलता हूँ, टाइम ऑफ बर्थ क्यों करेक्ट होना चाहिए? टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं होगा तो ये नीचे के ना सारे आपके सबलॉट्स गलत हो जाएंगे। तो शादी होगी कि नहीं होगी, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम ऑफ बर्थ, डोंट रिलाई टू मच ऑन दीज सबलॉट्स, बिकॉज ये सबलॉट ही बताता है शादी होगी कि नहीं, बच्चा होगा कि नहीं, विदेश जाएंगे कि नहीं, नौकरी लगेगी कि नहीं, ये सबलॉट्स बताते हैं। अब यहां हमें राहु बताएगा, सेवेंथ हाउस का ये सबलॉट है, राहु बताएगा शादी होगी कि नहीं होगी। अब राहु क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ? 12वें को सिग्निफाई कर रहा है सबसे स्ट्रांगली, फर्स्ट को सिग्निफाई कर रहा है सब स्ट्रांगली, और क्या कर रहा है? 11th को कर रहा है, ठीक है, 11th को कर रहा है तो शादी होगी। तो अगर ये ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तो फिर हम सिग्निफिकेटर्स पर जाते हैं और हम देखते हैं। लेकिन सपोज मैं कहता हूं कि राहु टाइम ऑफ बर्थ अगर करेक्ट नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है, मान लीजिए कि से सपोज सन, टाइम ऑफ सन, सन और क्या का सिग्निफाई कर रहा है? फिफ्थ को कर रहा है, सिक्स्थ को कर रहा है। सपोज ये सर, टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है, अब देखिए टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है सर, मतलब समझिए आप, देखिए मैं यहाँ पर नीचे ये जो टाइम दिया हुआ है ना 21:08, इसको 10 मैं टाइम चेंज कर रहा हूँ, मैं ऊपर करूंगा, यू जस्ट कीप अ, ये इस कॉलम पे आप ध्यान दीजिएगा, ये टाइम ऑफ बर्थ अगर 4 5 मिनट है तो ये सबलॉट सारे चेंज कर जाएंगे। देखिए मैंने 8 मिनट्स की जगह 9 किया, और वन और टू सबलॉट्स हैव ऑलरेडी चेंज्ड, चेंज 2 मिनट में सबलॉट चेंज हो गए। देन क्वेश्चन देते हैं, इवेंट होने का नहीं होने का, आप लोगों को नींद आ रही है अब लग रहा है ना ये, तो बी केयरफुल व्हेन यू आर प्रेडिक्टिंग केपी में, नेटल चार्ट में, ओनली रिलाई ऑन कस्पल सबलॉट्स, ओनली रिलाई ऑन कस्पल सबलॉट्स व्हेन यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट द टाइम ऑफ बर्थ। एक दो इवेंट को चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मैं अपना अपने हॉरोस्कोप को क्यों मैं देख लेता हूँ केपी से, क्योंकि मैंने अपना ठीक किया हुआ है, मेरा भी थोड़ा बहुत उसको लग करके मैंने अपना ठीक किया, तो अभी सारा इवेंट मेरा मैच करता है। चलो ये आपको क्लियर हो गया आप लोगों को, या इसमें आप लोगों को कुछ पूछना है आज पूछ लीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जब आप डेट निकालते हो सर मैरिज की, डू यू प्रेफर एनी सीक्वेंस कि पहले सेकंड हाउस देखूं फिर 11 देखूं? नो देखिए, अनदर थिंग, आपने मैरिज का पॉइंट रेज कर दिया, अब लेट मी टेल यू वन थिंग, यू विल कम अक्रॉस केसेस ऑफ मैरिज वेयर यू विल फाइंड ओनली द सेवेंथ हाउस, यू मे नॉट फाइंड द सेकंड हाउस और द 11th हाउस एट ऑल। वाई टेल मी? 11th हाउस क्या दिखाता है? सर विश दिखाता है अगर विश के अगेंस्ट शादी हो गई है किसी के, कर दी गई है, तो 11th हाउस मे नॉट अपियर एट ऑल। सर, लेकिन सेकंड तो दिखाएगा ना, एडिशन तो है फैमिली में कि नहीं अब दिखाएगा? मैं उस पर भी आ रहा हूं, बहुत सी शादियां ऐसी होती हैं जहां पर वो अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स होती हैं, पेरेंट्स से अगेंस्ट भी होती है। हाँ मानते है ना, उसको वो फैमिली मेंबर नहीं मानते हैं, नहीं। तो ऐसे केसेस में आपको कई बार सेकंड भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस जब आपके सामने, अब आप देख रहे हो कि एक कपल आया है, ठीक है, वो कहता है कि हम तो घर से भाग के आए हैं, हमको शादी करना है, कब करेंगे? विशेष तो है दोनों की, तो 11th तो मिलेगा, लेकिन शायद आपको सेकंड नहीं मिलेगा, तो आप बिना सेकंड के भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि शादी होगी 11th और 7th के कॉम्बिनेशन से। फिफ्थ तो ऑब्वियसली उसमें आएगा ही आएगा, फिफ्थ प्रोमिनेंटली आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। आजकल जैसे लिव इन रिलेशंस है ना, लिव इन रिलेशंस, उसमें आपको सेकंड शायद नहीं मिलेगा,
उसमें आपको 5, 7, 8, 12 मिलेगा। सर 7 भी नहीं मिलेगा ना लिव इन में, तो शादी तो हुई नहीं है। नहीं वो हाँ ठीक, 7 भी नहीं मिलेगा आपको, 5, 8, 12, 11 मिलेगा। सर ठीक है, इसमें हम सर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या लिव इन रिलेशनशिप है? 5, 5, 8, 5, 8, 12, 5, 8, 12 सर वो तो लिव इन में भी हुआ, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो गया। एक ही चीज है यार, अच्छा एक ही चीज है। सर, 12th भी आ जाएगा, 12th तो प्रोमिनेंटली आता है। चलो एनीवे सर मेरा मानना है कि लिव इन रिलेशन में 7th हाउस आएगा। अगर आप यूरोप में चले जाएं, वहां 10 10 साल मियां कपल इकट्ठे रहते हैं, वो शादी नहीं करती, तो 7th हाउस इज फॉर लिविंग रिलेशन। ये शादी ब्याह तो हमारे मजहब का मामला है, इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी का मसला तो नहीं है शादी कोई। आई एग्री विद यू। आई थिंक 2 नहीं आएगा लिव इन में, फैमिली हाँ, ट्रेडिशन नहीं सेवंथ आएगा। हाउस आएगा सर, जो इलेवेंथ लिविंग रिलेशन में। आएगा, 7th इज फॉर मैरिज, 11th इज, 7th इज फॉर अ लीगल मैरिज, 7th इज फॉर अ लीगल मैरिज, लिव इन रिलेशन इज नॉट अ लीगल मैरिज। ठीक है, वेस्ट में सर आप यूरोप यूरोप वेस्ट थोड़ा में दैट इज लीगल। सा आप हॉरोस्कोप उठा के देखिए ना, आपको मिलेगा नहीं 7th। हाँ। लेकिन पेपर साइन ही हुए ना तारी जी, यहाँ पे भी तो पेपर साइन होते हैं ना बाहर भी। तो फिर तो लीगल हो गया ना, हाँ तभी लीगल हुआ ना पेपर साइन कर दिया तो जी। लीगल हो गया फिर तो। हाँ तब 7 आएगा ना किसी के साथ रहने सर। 7 थोड़ी आएगा, आप किसी के साथ, 5 आ सकता है लेकिन 7 फाइव तो नहीं। आएगा ही आएगा, बगैर 5 के तो होगा ही नहीं, 5 हैज टू बी देयर। और जहां स्कैंडल इन्वॉल्व होगा वहां 8, 12 आएगा। 8 भी ठीक आएगा। है ठीक। सर, जो एंगेजमेंट होती है सर उसके लिए 7th हाउस ऑपरेट होता है क्या? थर्ड हाउस अच्छा सर, अगर किसी की एंगेजमेंट होके टूट जाए तो हम क्या फिर उसको सेकंड मैरिज की तरह ट्रीट करेंगे या फिर भी फर्स्ट फर्स्ट मैरिज ही होगी? फर्स्ट फर्स्ट मैरिज, फर्स्ट मैरिज, मैरिज होनी ना। फर्स्ट मैरिज। चलिए आज का देखिए, ये अभी वो तो सब्जेक्ट टॉपिक है। ठीक है, हम इस ये वाला, ये कंसेप्चुअल, ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ये क्लियर हुआ कि नहीं मुझे जो शुरू में डाउट। ठीक है, सर जो आज आपकी क्लास है ना, आपके जितनी 21 क्लासें हुई है ना, ये उन सब से बढ़ के क्लास है आपकी आज वाली। बहुत सही कंसेप्ट क्लियर हो गए सर आज। बहुत बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। सबसे अच्छी क्लास आपकी आज, मेरे इन माई पर्सनल ओपिनियन। आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं आज, हाँ सर, ऐसे पता नहीं था तो कि था। मेरी क्लास ही लगेगी सबसे पहले। मुझे अरे तो ठीक है सर, आपके कंसेप्ट। लगता है ताहिर जी को किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, पर वो बोल रहे हैं तो जरूर होगी अच्छी क्लास। नहीं सर आज नहीं बहुत सर, चीजें मुझे क्लियर। सर अगर मुझे जरूरत ना हो तो फिर मैं आपकी क्लास में क्यों बैठूं मैंने सर। बहुत सोचा कि मैं जब तक हाँ मैं पूछूंगा नहीं लोगों से तब तक वो नहीं होगा। आप आई एम वेरी, मतलब आज आप मुझे, वो दो लोग जो नहीं है, राजीव रंजन, सबसे जरूरी एक्चुअली उन्हीं के लिए था, उन्हीं के कॉन्सेप्ट अभी सबसे कमजोर है। अच्छा, जब आपका मैसेज आया ना, तो मैंने सोचा यार आज मैंने अदिति जी से बात की, मैंने कहा शायद मैं आज की क्लास अटेंड ना करूं, क्योंकि आज तो उन्होंने पढ़ाना ही कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा चलो यार मैं फारग बैठा हूँ, क्लास अटेंड कर लूं, लेकिन नहीं क्लास में यार, आके पता चला कि सबसे अच्छी क्लास तो यही थी। आज ही तो पढ़ाई हुई है। हाँ। बहुत अभी कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो। हाँ के सामने में वो खोल रहा हूँ, आप लोग वर्कआउट करके बताइए कि स्पीकर मेरे कब ठीक होंगे? हाँ वो लैपटॉप कब तक आने, वो बड़ा मसला है सर, वो कब देखना। मैं जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा, है ना? वो देखो मेरा कहाँ गया यार, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ गया कहाँ गया? लैपटॉप, लैपटॉप, सर किसी दिन ओशो रजनीश की कुंडली डिस्कस करते हैं सर, फेवरेट पर्सन है मेरे वो। यस सर, ये कहाँ है, वो गया कहाँ? स्पीकर। डे टू डे इवेंट्स में होगा ना, डे टू डे इवेंट्स पूरी प्रश्ना में था। हाँ, व्हेन विल माय लाउड स्पीकर कम, वेल माय लैपटॉप लाउड स्पीकर कम, नहीं सर अभी देखो। ये आप लोगों को आ नजर नहीं गया आ रहा होगा शायद। आ रहे सर, आ गया हाँ जी सर, जी आ रहा है नजर, व्हेन विल माय लैपटॉप लाउड स्पीकर कम, आ रहा है लिखा हुआ। अच्छा आ रहे सर, आ रहे। ठीक ठीक है, इसमें आप पहले ये रूलिंग प्लैनेट्स नोट कर लीजिए, कागज पे नोट कर लीजिए, ये जब मैंने वो किया था उस समय रूलिंग प्लैनेट्स मैंने नोट कर लिए थे।
अभी के रोलिंग प्लान इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ कि मैंने किया हुआ है अपने तरफ से, इसलिए आप लोगों से मैं कोशिश कर रहा हूँ करवाने की। वो सब लॉर्ड्स हैं जो दो ब्रैकेट में लिखे हैं, सब लॉर्ड हैं, वो इमरजेंसी यूज के लिए है। केतु, जुपिटर, मार्स, मरकरी, मून, मरकरी, सन, क्योंकि ये छिप जाएगा, ये नोटपैड खोलने पर फिर ये ऑपरेट नहीं करने देता है। हो गया, नोट कर लिया ना, या यस सर, फोटो कर खींच लीजिए। लिया सर, कर लिया, कर लिया चलो सर। ठीक है, इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं भी, फोटो खींच लेता हूँ यार, मैं भी तो भूल जाता हूँ ना, एक मिनट। ये साथ है सर। हाँ ठीक है, सब लॉर्ड, वो असेंडेंट सब लॉर्ड और मून सब लॉर्ड भी लिया हुआ है, उसको नोट कर लो जी बस, ठीक कोई बात। ठीक चलिए ये मैं बंद कर रहा हूं। अच्छा अब ये क्या हो गया, किया था कल, ठीक है, 4/8/2024, 3:33:24 शाम को, ठीक है, मैंने किया था ये, और ये मेरा ऑर्डर है 25 या 26 तारीख का, यानी कि ऑलमोस्ट 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 10 दिन तो हो गए थे कल, उसने 8-10 दिन बोला था, हफ्ता 10 दिन, तो कल तक तो ये आया नहीं, तो अब कब आएगा? कल संडे था, इसको दिल्ली से चलना था कोरियर से, दिल्ली से रांची वैसे तो आता है एक दिन में, लेकिन बारिश का मौसम मौसम था तो कोरियर डिस्टर्ब हुआ होगा। अब आप लोग बताइए मुझे क्या करें, हम कहाँ जाएं, किस दिन आएगा, क्या करूं? तो मून चंद्र बता, को देखेंगे, चंद्रमा हाँ को देखेंगे सर। चंद्रमा को देखेंगे ना, ठीक है, चंद्रमा अभी कहाँ है बताइए, मरकरी के नक्षत्र में, मरकरी के नक्षत्र में, मार्स मरकरी के नक्षत्र में है, मरकरी मून मून साइन के के अंदर, नक्षत्र में, मार्स के अंदर, मरकरी के नक्षत्र में कहाँ है चंद्रमा? पहले किस राशि में है वो भी तो आप देखोगे राशि ना, में देखो ना, मून कैंसर में। राशि में, हाँ राशि में है और उसमें कौन किस नक्षत्र में है। मरकरी के नक्षत्र में, मून की राशि में, मरकरी ठीक है, तो क्या करें अब हम, क्या क्या ट्रैक करें? रूलिंग प्लैनेट्स आपने नोट कर लिए हैं, ऑब्वियसली मून और मरकरी तो होंगे ही, रूलिंग प्लैनेट्स हो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब हमें मून की मूवमेंट ट्रैक करनी है ना, तारीख क्या है, 4 तारीख, कितने बजे का हमने ये प्रश्न बनाया है, पांच हेलो, पैर को 3:33। 33:34, 24 सेकंड, आप चलिए, मैंने आप जो मैं कह रहा था आप लोगों ने किया, मैंने खोल दिया इसको, ठीक है। अब मैं किस तारीख में जाऊं, चंद्रमा को ट्रैक करना है, किस तारीख में जाऊंगा मैं, ये डेट्स हैं बीच में, तो 30 को चंद्रमा दिख रहा है कैंसर का जो, तीस को सर, हाँ नहीं 30 7, 4 तक ही आ रही है डेट सर। 4 तक है, नीचे करिए ना। ठीक है, तो 4 तारीख को हमने चार्ट बनाया था ना, तो 4 में चंद्रमा की क्या चार पोजीशन है, 4 तारीख को चंद्रमा को जब मैंने बनाया तो चंद्रमा कहाँ था, किस राशि में था और किस नक्षत्र में था, कैंसर में था सर। कैंसर रूलिंग प्लैनेट है ऑब्वियसली है ही है, मरकरी भी रूलिंग प्लैनेट है, चार हाँ तारीख को ये 1:15 को कैंसर में सर, था, कैंसर में तो नहीं हुआ काम आपका? मरकरी के नक्षत्र में हाँ दोपहर 1:15 में ये घुस गया, ठीक है, और मर रहेगा ये, आज कौन सी तारीख है, 5, आज ये 3:10 तक लियो, लियो देखिए सन है क्या रूलिंग प्लैनेट, अब आप जी लोग खुद, सर। हाँ जी सर, सन तो है। सन है सर, सब लॉर्ड ठीक में। है, तो हैज इट चेंज्ड द राशि टुडे, कितने हाँ बजे चेंज किया, सर, 3:10 पे। 3:10, लियो सन है रूलिंग प्लैनेट, किसके किसके वीनस नक्षत्र में गया, के, वीनस के नक्षत्र में कैसे जाएगा, केतु केतु के नक्षत्र में। केतु सर, ये भी आपके दिमाग में इम्प्रिंट होना चाहिए कि लियो में, सर हाँ केतु के, सॉरी मैंने नीचे वाला देख लिया, अब लियो वीनस। हाँ केतु के, ये किस तारीख तक और कब तक रहेगा, लगभग एक दिन तक रहेगा, सर 6 तारीख तक रहेगा।
छह तारीख कब है? 5:33 तक, 5:33 तक रहेगा, 6 तारीख कब है? कल कल है सर, कल कल कितने बजे तक रहेगा? 5:33 फाइव मिनट थर्टी थ्री उसके बाद फिर नक्षत्र किसका शुरू हो रहा है? वीनस सन का, का, वीनस का, सन, वीनस, वीनस तो वीनस रूलिंग प्लेनेट है क्या? नहीं है सर, नहीं है सर, ठीक नहीं सर, तो है सर, कल आ जाना चाहिए कल तक कल अगर नहीं आया तो फिर क्या क्या होगा? सर। फिर ये दोबारा जाएगा ये 7 तारीख, क्योंकि सन जो है वो रूलिंग प्लैनेट है। फिर ये वर्गो भी जाएगा नहीं आया सर। तो फिर ये, सर केतु भी तो स्टार लॉर्ड है सर, रूलिंग प्लेनेट। सर हाँ तो केतु तो आज खत्म हो गया ना, आज आया नहीं ये ना फिर आठ, सर आज सर आया ये नहीं आठ सर, तारीख में, आज 3:10 जा मिनट सकता है केतु सर। में, लाइक ठीक है केतु में घुसा है 3:10 आज, और रहेगा कल 5:33 तक, ठीक है? उसके बाद फिर वो एक दिन जो है वीनस में रहेगा 6 तारीख को। अगर ये टाइम क्रॉस हो जाएगा तो फिर मुझे ये कल जो है 5 बजे के पहले नहीं मिला तो एक दिन का फिर गैप हो जाएगा। सर तो आप लोग बताइए कि उसके बाद फिर सन है रूलिंग प्लैनेट, हाँ यस लेकिन सन को तो हम ऑलरेडी एक बार यूज कर चुके हैं ना, यस सर, हाँ तो हाँ फिर नियो में मून है, फिर वर्ग आप मून में जाएंगे आगे, वर्गो में कितना जाएंगे सर, वर्गो टाइम सन, वर्गो यूज, तो वर्गो में मरकरी तो है रूलिंग प्लैनेट, ठीक है? यस जी सर। मरकरी अभी हमने यूज कर लिया है कि नहीं कर लिया है? ठीक नहीं किया सर, नहीं अभी नहीं है, सर किया। कुछ यूज नहीं किया। है वो आप मरकरी को अनयूज्ड मान सकते हैं, क्योंकि जब देखिए हमने जब वो बनाया था ना चार्ट, ठीक है, हाँ जी नहीं तो कैंसर में था। हाँ मरकरी भी, मरकरी नहीं, मरकरी को तो यूज कर लिया ना हमने। अरे कहाँ किया सर, कैंसर में जब 4 तारीख को हमने चार्ट बनाया तो किसका नक्षत्र चल रहा था? लेकिन सर वो आने का चंद्रमा कैन का, चंद्रमा, कॉल इट एज अनयूज, ठीक है, दैट वाज टू क्लोज, नहीं आना था उसमें कॉमन सेंस। तो हम मरकरी को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं फिर? कर कर सकते हैं, सकते कर हैं सर। तो सकते हैं। लियो सन, तो फिर लियो सन के बाद फिर ये वर्गों में कब जाएगा? 8 तारीख, 8 तारीख को, 3 बजे, तारीख को। फिर अगर कल मुझे ये नहीं मिलता है तो ये मामला 8 तारीख तक टल जाएगा। और 8 तारीख को भी मून है क्या? देखिए तो रूलिंग प्लैनेट जी सर बिल्कुल है, 8 तारीख, मून है 8 तारीख तो को, या तो ये मुझे कल मिल जाएगा 5 बजे तक, ठीक है, या फिर ये 8 तारीख को चला जाएगा। अब आप लोग बताइए रूलिंग प्लैनेट्स को देख करके, स्ट्रेंथ को देख करके, कि आपको क्या लग रहा है ये, आप लोग को क्या लग रहा है वैसे हमें कब तक मिल आठ तारीख को जाएगा? सर, 8 तारीख सर का, कल ही मिल आठ जाना तारीख को चाहिए मिलना सर, चाहिए, मिल जाना चाहिए 8 को, क्यों? सर, कल मिलना चाहिए मेरे को तो लग क्यों? रहा है, केतु केतु है और सन है, लियो है, मून ज्यादा स्ट्रांग नहीं है केतु से, क्योंकि मून ही तो है जो मेन हम जिससे देख रहे हैं। अरे मून तो है ही है, मून तो है ही है, लेकिन नोड, केतु नोड अच्छा, स्ट्रॉन्ग करता ने, केतु नोड दे सपोज टू बी दी स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स। ओके तो आई एम होपिंग कल मिल जाए, कल नहीं मिलेगा तो फिर 8 तारीख, फिर वो 8 तारीख में चला जाएगा। सर। मुझे ये समझ नहीं आया सर, मून कैसे मरकरी के नक्षत्र में, मून कहाँ है, तो कहाँ गई वो फोटो, कहाँ चला गया? मार्स के नक्षत्र में है यहाँ पे, एक मिनट पर मेरे को फोटो खींचिए, मेरे को भी देखने दीजिए जरा, मैं भूल गया। रूलिंग प्लैनेट्स में स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? सर केतु है तो केतु ही केतु कल, यूज हुआ है क्या? नहीं सर नहीं नहीं हुआ सर, सर, नहीं भी हुआ है, और वैसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। नोड की बात तो छोड़ दो, आप सबसे टॉप हाँ पे जी था कि नहीं केतु? हाँ, स्टार लॉर्ड है ना सर वो, स्टार लॉर्ड, असेंडेंट स्टार लॉर्ड हाँ केतु है ना, इस टेबल को भी लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ। यस सर, जी सर बिल्कुल वही, कल तो फिर होपफुली ये मिलेगा कल हमें, आई एम होपिंग ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स दैट आई शुड गेट इट टुमारो। सर, बता यस सर। देना अगर मिल गया तो सर, मैसेज कर देना सर मैंने ना कल 1:17 पे सर। एक चार्ट बनाया था, ऐसा ही चार्ट बनाया था कोरियर वाला सर, वो भी देख लो। यार अब बहुत टाइम हो गया, आप लोग खुद देखो ना, देख के बताइएगा मुझे उसको, फिर हम लोग स्टडी कर लेंगे क्या हुआ कि नहीं हुआ। और आप लोग सर क्या अभी सर है, इसको डे टू डे में ट्राई किया है किसी ने? तो मैंने किया 2-3 बार और बड़ा ही एग्जैक्ट आया एकदम से। अरे वाह क्या बात है,
सर एक्चुअली हाँ मेरा भाई, बेटा ना क्रिकेट खेल के आता है और वो 6 बजे 6:10 तक आ जाता है शाम को। उस दिन मैंने वैसे ही लेके बैठी लैपटॉप, तो मुझे ना उसमें 7:04 दिखा रहा था। मैंने कहा ये तो मेरे से गड़बड़ हो गई है, कुछ गलत हो गया शायद, और वो एग्जैक्ट 7:03 पे आ गया उस दिन। जय जी अब तो छा अरे गए। एक और हुआ मेरे साथ, एक शेयर था सर, मैंने उस दिन सेल करना था उसको, तो मैंने पहले तो उसका क्वेश्चन लगाया कि मुझे प्रॉफिट होगा, तो आया कि प्रॉफिट होगा, तो मैंने कहा कि आज मुझे बेचना चाहिए, तो उन्होंने पूरा मतलब उस दिन दिया ही नहीं मुझे आरपीज में, कोई भी टाइम नहीं मिला मुझे। तो देखा वो एंड में बिल्कुल 3:30 पे वो टॉप पे था अपने, और मैंने उस दिन उसको सेल नहीं किया था। मैम आप लोग अब शुरू कर दीजिए, है ना। मुझे ये थोड़ा सर इसका कंसेप्ट मुझे क्लियर नहीं है सर, इसका ये मुझे सर वो ये आदिति थोड़ा प्रैक्टिस फिर आ जाएगा। एक दिन तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, फिर आ गया नेक्स्ट डे। ऑलरेडी तो मेरे सही आ रहे हैं रिजल्ट, मुझे ये नहीं, मैंने ये ताहिर जी से भी बोला कि आप मुझे बताना थोड़ा प्रश्न कुंडली, नहीं मुझे समझ अब आ रहा। सर की वीडियो देखो, उसमें बार बार से वो क्लियर होएगा फिर। मैं तो हमारे ख्याल से तो मैं बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ आपको, स्टेप वाइज देखिए हाईलाइट सर कर। मुझे ये बताइए कि मून जो है मरकरी के नक्षत्र में कैसे है, पहला क्वेश्चन ही नहीं मुझे समझ आया। हाँ क्या चीज, मून मरकरी के नक्षत्र में कैसे है जो आप स्टार्ट किए हो? अरे यार ये ऊपर देखो ना, उल्टा लॉर्ड है ना मरकरी? अच्छा उल्टा देख रहे क्या? क्योंकि अभी तक हम लोग वो देख रहे थे ना मून किसके नक्षत्र नहीं में नहीं बैठा क्या है। हो हमें गया, मून गणित की वही तो मूवमेंट देखना को है सर। ट्रैक करना है ना, मून की हाँ मूवमेंट, ठीक तो है मून ठीक है, की मूवमेंट ये है ना, मून अपने ही अपने राशि में है, राशि लॉर्ड में है और चार्ट मून बनाया और मरकरी के नक्षत्र में, तो आगे मूव करेगा ना, ठीक है मरकरी के ठीक। नक्षत्र के बाद फिर तो वो खत्म हो जाता है, कैंसर खत्म हो जाता है, फिर लियो शुरू हो जाता है। पहला केतु में जाएगा उसके बाद। नक्षत्र किसका है, केतु का है, केतु का है, और केतु केतु ये आज 3:10, 5 तारीख को केतु के नक्षत्र में ये चला गया, चंद्रमा जो है इज इन लियो एंड इट इन केतु नक्षत्र, एंड इट विल बी देयर इन केतु नक्षत्र टिल टुमारो 6:33 इन द इवनिंग। सर ये कल जो है ये वीनस होगा ना, लियो का वीनस, लियो में नहीं वीनस 5:33 तक। ये स्टार्टिंग टाइम है वीनस का, नहीं अच्छा ये स्टार्टिंग टाइम है क्योंकि महादशा में वो एंडिंग टाइम होता है ना, ठीक है ये स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम। आप डिग्री से देखो, डिग्री से आप देखो, डिग्री 120 में कहाँ क्या शुरू होता है, कौन सा घर शुरू होता है 120 से, लियो शुरू होता है ना, लियो 120 पासपोर्ट लियो। डिग्री देखिए लियो करेक्ट शुरू होता है ना 120 डिग्री से 150 डिग्री तक, हाँ तो जी ये सर हाँ स्टार्टिंग जी। पॉइंट के लिए डिग्री देखिए आप, तो ये टाइम जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 3:10 पे आज चंद्रमा सिंह राशि में केतु के नक्षत्र में प्रवेश किया, 3:10 से एंटर किया, और कल शाम को 5:33 तक वो रहेगा, उसके बाद देन इट विल गो इन टू द नक्षत्र ऑफ वीनस। ओके, एंड वीनस आई बिलीव इज नॉट अ रूलिंग प्लैनेट, नो आप लोग बोल रहे थे। नहीं है नहीं है वीनस, सर, हाँ नहीं वीनस नहीं है। नहीं है तो फिर वो 2 दिन टल जाएगा, तो ठीक है देखते हैं हम, तो क्योंकि केतु स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट है, इट आना इज तो चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट, सो होपफुली इट शुड कम टुमारो। ठीक है सर, चलिए ऑन दैट नोट, सर मैसेज करना अगर आए तो सर थोड़ा क्लियर होगा फिर। ओके हाँ मैं मैसेज कर दूंगा। चलिए ऑन दैट नोट, मैं पिक्चर का फोटो के साथ, ओके सर, थैंक यू सर, ऑन दैट थैंक यू नोट, सर, बहुत बहुत प्रोडक्टिव था आज का क्लास। ऐसा है बीच बीच में ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं होगा ना वो कंफ्यूजन दिमाग, आप बगैर सिग्निफिकेंट टेबल्स के आज आप लोग समझे तो आई थिंक आपका और भी ज्यादा आपका यस सर, क्लैरिटी थैंक होगी। चलो थैंक यू सर, यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू एंड यू सर, ओके हैव अ गुड नाइट स्लीप। आज आप लोगों को रात भर वेलकम। घूमेगा है ना, जो जो मैंने, चलिए ओके गुड नाइट।